الحمد رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا वाहिफ़ीना إلى حولك وقوتك يا वती का المتين آمين يا رب आप सबके पास आ, मौजू हमारी आज की इस क्लास का तो पहुँच चुका है और आ, मौजू ये है कि हम अफ़ान वताल के दो जुड़वा नाम आ, जो कि हैं वल वकराम उन्हें हम इन पढ़ेंगे उनका गहरा मुताला करेंगे और इन जुड़वा नामों के मुताला से पहले चंद चीज़ें हैं जो हमें हमें समझनी है इनशाला और मुमकिन है कि आज के इस सेशन में देखते हैं कि बात कैसे कहां तक पहुंचती है और कितना वक्त होता है आज के इस सेशन में मुमकिन है कि हम सिर्फ तारुफ लें और फिर अगले सेशन में इन हम इन नामों को समझना समझना शुरू करेंगे और फिर इन नामों को इस तरह से हम समझेंगे कि हमने इन दो नामों की रोशनी में रहमान को समझना है इन शेजबा तो हम इन बात को शुरू करते हैं और सबसे पहले जिस चीज़ को मैं आपके सामने रखूंगी वो ये है कि हमारे ईमान का जो एक बड़ा हिस्सा है वो दरअसल जिस हस्ती के गर्द घूमता है या जिस जिसके ऊपर है जो सबसे पहला पिलर है हमारे ईमान का और हमारे इस्लाम का वो है दरअसल अल्लाह सुफ़ी व तआला और अल्लाह ताला का ये जो नाम है अल्लाह ये उसका इसम ज़ात है और बाकी सारे उसके असमाफ़ात हैं और इस मजात में क्या इस मजात और इस सिफात में क्या फ़र्क है ये इनशाला मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी लेकिन अल्लाह ताली के नाम अल्लाह के बारे में मालूम करने से पहले चंद सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ आप इन सवाल पर गौर कीजिएगा और फिर मुझे आ, इस तरह से जवाब दीजिएगा कि अगर मुमकिन हो कि आप अपने रिफ्लेक्शन लिख सकें कि आपके तस्वुर में आज की बात सुनने से पहले आपके ख्याल में आपके अकीदे में इस आज की गुफ्तु सुनने से पहले अल्लाह ताला का क्या तसवर था आप क्या समझती थी कि अल्लाह ताला कौन है तो वो सवाल ये हैं पहला सवाल ये है कि अल्लाह कौन है और दूसरा सवाल है कि अल्लाह ताली कैसा है और तीसरा है कि अल्लाह कहाँ है और वो क्या करता है और वो कैसे करता है और वो क्यों करता है और क्यों नहीं करता है ये और इस तरह के सवालात अब मैं सवाल तो तेज़ी से करके गुजर गई लेकिन जितना कुछ भी आप इसको समझ सकें आप इसको अपने साथ रखिएगा फिर एक और चीज़ जो बहुत अहम है समझने के लिहाज से वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं हम मुसलमान हैं कभी हम इस बात को महसूस करते हैं कि हाँ मुसलमान तो हैं लेकिन कम आमल मुसलमान हैं मैंने बेअमल नहीं कहा मैंने कहा कम आमल मुसलमान हैं हाँ हम मानते हैं कि हम मुसलमान हैं लेकिन हम कम आमल मुसलमान हैं हम मुसलमान हैं हम एक रब के ऊपर अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाने वाले हैं लेकिन हमसे कमी कोताही कसूर को होते रहते हैं हम मुसलमान हैं लेकिन हम जाने बूझे भी कुछ गलतियां कर जाते हैं और बेजाने जाने बूझे भी गलतियां कर जाते हैं ये भी हमें मालूम है और कभी कभी हमें अपने इस ये इस्लाम का या हमारे मुसलमान होने की जो कदर है वो महसूस नहीं होती है और हम सिर्फ मुसलमान होने को भी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कभी महसूस नहीं करते कितनी बड़ी खुशबी है हमारी कि हम मुसलमान हैं और हकीकत ये है कि अगर कभी इस इस चीज़ का थोड़ा सा एहसास या इदराक करना हो तो कुछ देर के लिए हम किसी ऐसे शख़्स के पास चंद मिनट्स के लिए हम किसी ऐसे शख्स के पास खड़े हो जाएं कि जो अपने अकीदे की बुनियाद पर गाय का पेशाब पी रहा है तो फिर एहसास हो जाएगा कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं हम कह तो देते हैं कि हम मुसलमान हैं हम मुसलमानों के घर में पैदा हो गए लेकिन ये भी कोई छोटी नहमत नहीं है प्यारी बहनों जिस बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो लाना चाह रही हूँ उसके ऊपर अपना फ़ोकस रखिएगा कभी हम थोड़ी देर के लिए किसी ऐसी जगह पर खड़े हो जाएं कि जहाँ किसी की चिता जल रही हो और उसकी बुदबू फैली हुई हो फिर ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा और अपने इस्लाम की कदर और उसकी वैल्यू को समझिएगा कि अलहमदिल्ला हम मुसलमान हैं और अगर हमारे ही किसी अजीज को हमारे ही किसी प्यारे को हम उसकी मौत के बाद भी आग में जलता हुआ देख लें तो एक तो जुदाई का दर्द है मौत का दर्द है वो दुख भी है लेकिन एक वो दुख उस दुख से सिवा है कि जब हम किसी अपने अज़ीज़ को आग में जलता हुआ देखें अगरचि वो मुर्दा हालत ही में क्यों ना हो हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं कि अल्लाह ताला ने हमें वो आदाब सिखा दिए कोई कितना भी गया गुज़रा मुसलमान क्यों ना हो जब उसका इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त आता है तो उसको कालिमा की नसीहत की जाती है और फिर जैसे भी उसकी मौत हो जाए जिस हालत में भी हो जाए कभी आज तक अः यह कि कोई बहुत गया गुज़रा ना हो कभी आज तक ऐसा नहीं होता है कि हम लोग उसके साथ ये सलूक करें कि चूँकि ये गुनाहगार थी इसलिए ना इसका जनाजा पढ़ने की ज़रूरत है इसलिए ना इसको कफन पहनाने की ज़रूरत है बस जैसे तैसे इसको मिट्टी के नीचे दबा दो ऐसा नहीं होता ना अगर मरने वाला चूँकि उसका इस्ला उसकी इस्लाम पर मौत आई है अगर मरने वाला इस हालत में था भी कि उसको अपने दीन की कोई ज़्यादा अहमियत मालूम नहीं थी वो कम अमल या बेअमल था भी लेकिन उसके इर्द गिर्द जो मुसलमान हैं उनको पता है कि यह कलमा गो मुसलमान था उसका जैसा अमल था ये उसका और उसके रब का मामला है हम उसके साथ क्या करते हैं जो जो जिस सोसाइटी में वो, वो वो है उस सोसाइटी के मुसलमान उसके साथ क्या करते हैं उस सोसाइटी के मुसलमान अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखते गया, गया, गया. हैं कि इसकी मफ़रत की जाएगी इसको माफ़ किया जाएगा और फिर जो तरीक़ा उस मुसलमान को इस दुनिया से रुखत करने का है उसके मुताबिक उसको उस दुनिया से रुखत किया जाता है ऐसा ही होता है ना ये नहीं समझा जाता कि या सोचा जाता कि चूंकि कम अमल है या बेअमल है तो इसके लिए दुआ मगफरत ना की जाए उसके लिए दुआ मफफरत की जाती है और फिर उस दुआ मगफरत के साथ अल्लाह ताली से अच्छी उम्मीद रखी जाती है और भेजने वाले इस उम्मीद पर उसको भेजते हैं कि या ए अल्लाह ए तेरी तरफ़ से भेजी हुई एक रूह थी जो इस दुनिया पर आई और अब तेरे हुक्म से तेरे पास वापस जा रही है अब इसके साथ मगफरत का मामला कर देना अब चाहे मरने वाले को उसकी मगफरत का यकीन था या कम था या ज़्यादा था लेकिन भेजने वाले को भेजने वालों को उस रब की मगफ़रत का यकीन है और वो वो सारे रिचुअल्स जो हैं वो सारे जो आदाब हैं उनको करके वो उसको इस दुनिया से रुख़त कर रहे हैं इससे बड़ी सिर्फ इंसानियत की तक क्या हो सकती है जो इस शक्ल में अल्लाह ताला ने हमें दिखाई है और फिर एक मुसलमान की तक रीम इतनी तक है कि अगरचे वो मैत है फिर भी हुक्म नहीं है कि किसी भी तरह से उसके आवरा को देखा जाए उसके अयूब को देखा जाए उसके अयूब को उछाला जाए अगर उसमें कोई ऐब देखा भी है पता भी है कि उसमें कोई ऐब था उसके पर, उस पर्दा डालो कोई कह सकता है कि अब तो वो दुनिया से जा रहा है लेकिन डजेंट मैटर आपको उसके ऊपर पर्दा रखना है तो ये है दरअसल मुसलमान होने का एक एहसास जो हमारे अंदर ज़िंदा रहता है और ज़िंदा रहना चाहिए लेकिन क्या हम मोमिन हैं ये भी एक सवाल है और फिर ये भी कि अल्लाह सुफ़ाना ये फरमाते हैं कि वो इस्लाम तो ले आए लेकिन इस्लाम अभी उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ लम यदल ईमान फ़ी क़लू ईमान अभी उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ तो ये जो एक पहला मरहला है इस्लाम का और उसके बाद फिर आ, मरहला है ईमान का तो अब इस्लाम और ईमान के तनाजर में उस बैकग्राउंड में या उस कैफियत के अंदर हम अपने इन सवालों के जवाब देखेंगे कि जिस रब के ऊपर हम ईमान लाते हैं वो है अल्लाह तो अल्लाह कौन है अल्लाह ताला कैसा है अल्लाह ताला कहाँ है वो क्या करता है वो कैसे करता है वो क्यों करता है वो क्यों नहीं करता है और फिर एक आखिरी सवाल वो ये कि क्या अल्लाह सुबहानत मेरे और आपके लिए हकीक़त है या महज एक अकैदा एक तस्वुर या एक ख्याल है इस पे सोचिएगा क्या वाकई अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए हकीकत है और ये जो ईमान है ये दरअसल उस हकीकत के साथ जुड़ा हुआ है जब हम उसको हकीकत के रूप में देखते हैं तो फिर हमारा ईमान तकमील के दर्जात की तरफ जाता है बुलंदी की तरफ जाता है तो क्या अल्लाह ताली हमारे लिए बस एक अकीदा है एक ख्याल है एक तस्वुर है कि चूंकि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारी जिंदगियों में अल्लाह ताला का नाम मौजूद है हम अल्लाह कहते हैं हमें हमें मालूम है कि अल्लाह ताला का एक नाम है जो इसमत है उसका अपना नाम है तो हम उसके ऊपर ईमान भी लाते हैं या वो हमारे लिए हकीक़त है और अगर अल्लाह ताला हमारे लिए हकीकत है तो इस बात को आप रसोल्ला सल्ला वम की उस हदीस की रोशनी में समझ सकती हैं जिसमें आप सल्ला वम तज़द के अवात में अल्लाह ताला के सामने अपने उस ताल्लुक का इजहार करते हैं जो उनका अल्लाह ताला के साथ है और अल्लाह ताला को वो हकीकत के रूप में देख रहे हैं और उसके कुर्ब को महसूस कर रहे हैं उसके क़ुरब की जो मिठास है उसको महसूस कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि अल्लाहुम्मा अन तनूर उस समावती ये दुआ लंबी है लेकिन उसमें जो अगला हिस्सा आता है फरमाते हैं कि अंत अक़ को व कऊलुक़ो ववादुक हक़ को व जन्नत हकन व ना रुकन आगे फिर बात चलती चली जाती है तो ये है दरअसल कि वो वो खुद हकीक़त है वो हक है वो हकीक़त है अंतल हक़ अल्ला तो हक है तो हकीकत है और इसी तरह से फिर तुम्हारे वादे सारे सच्चे हैं वो भी हकीकत हैं और तुम्हारी जन्नत हकीकत है और तुम्हारी जहन्नुम बनाई हुई जहन्नुम जो है वो भी हकीकत है तो अल्लाह सुबहान व तआला हमारे लिए क्या अल्लाह ताला हमारे लिए हकीकत है और अगर अल्लाह ताला हमारे लिए हकीकत है तो फिर उसने अपने इस नाम के अंदर ही जो उसका इस मजात है अल्लाह उसका जो उसको जो बनाने का जो तरीक़ा है या जिससे यह नाम बना है उसके अंदर ही हमें इतनी बड़ी अपनी मारिफत दी है कि जब हमें वो मारिफत मिलती है तो हमें समझ आती है कि वाकई अल्लाह सुबहान वाली का नाम ही तमाम सिफात का महवर व मरक़ है और वो अल्लाह है और उसके बाद उसने अपनी ज़ात को पहचानने के लिए कुछ सिफात रखी हैं और बेशुमार सिफात रखी हैं कम सिफ़ात नहीं है बेशुमार सिफात हैं लेकिन कुछ का इल्म उसने हमें दिया है फिर ऐसे ही कुछ उसकी सिफात हैं जो जिसको हम कहते हैं कि असमा सिफात हैं अल्लाह ताला के नामों को तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है पहला है अल्लाह ताला का इसम और इसम जात के साथ उसके कुछ अस्माव सिफात भी आ जा सक आ जाते हैं लेकिन वो वजात के साथ हैं जैसे अल्लाह अर्रहन्नान अहई अलूम ये वो नाम है कि जो अल्लाह ताला के लिए ख़ास हैं अल्लाह ताला वो तो इसत है अर्रह्मान सिर्फ़ अर रहमान अल्लाह ताला हो सकते हैं उसके अलावा कोई भी अरमान इस्फ़ा को का को क, का, उससे कोई हिस्सा नहीं ले सकता और फिर उसके बाद उसका जो नाम जमामूम है वो सिर्फ़ अल्लाह सुबहान ताली है अल्हाम और कुछ उसके नाम हैं कि जो सिफात हैं जैसे वो अलगफ़ूर है अलरीम है अलकरम है अलजब्बार है अलदूद है इस तरह से उसके नाम जो हैं वो चलते हैं अब यह नाम उसकी अस्माावात हैं इन सिफ़ात की रोशनी में हम उसको पहचानते हैं यही जो मैंने आपके सामने सवालत रखे वो कैसा है कहाँ है क्या करता है क्यों करता है कैसे करता है इन सारे सवाल के जवाब अस्माा सफ़ात से हमें मिलते हैं फिर उसकी कुछ सिफात ऐसी हैं जिसको कहते हैं कि उसके अस्मा अफ़ाल हैं यानी उसके एक्शंस के नाम हैं मसलन अल्लाह सुफ़ान अल मुसख़िर है अल्लाह अल मुदब्बिर है अल्लाह अल मुरीद है और अब ये मुरीद अल गादिब अमनतम यानी वो वो अल वगादिब है यानी गुस्से वाला है अमंनतम है इंतकाम लेने वाला है तो क्या उसके गुस्से और उसके इंतकाम का ताल्लुक उसकी ज़ात के साथ है नहीं ऐसा नहीं है क्या उसके गुस्से और उसके इंतकाम का ताल्लुक उसकी सिफ़ात के साथ है नहीं ऐसा भी नहीं है उस उसके गुस्से और उसके इंतकाम का ताल्लुक दरअसल उसके एक्शनस के साथ है वो अपनी ज़ात में परफ़ेक्ट है अल्दस है लेकिन वो अपनी मखलूक़ात के लिए अलादिब है इसलिए कि जब वो किसी पर अपना रौथ अपना गुस्सा दिखाना चाहेगा तो वो उसके ऊपर गु़स्से होगा और इसी तरह से जब वो किसी से इंतकाम लेना चाहेगा तो वो उस मखलूक के लिए उस बंदे के लिए वो अलमनतम है और कुछ नाम उसके हैं कि जिसको हम कहते हैं कि जुड़वा नाम और जुड़वा नाम दो दो साथ आते हैं और कभी कभी एक दूसरे का अक्स भी आते हैं अपोज़िट्स भी आते हैं जैसे अलकाबदलबासकाबिद वो के जो लेता है अलबासितु वो के जो खोलता है अलोइजो अलमुज़िल्लु। और इस बात को आप यूँ समझिए कि जैसे अपनी ज़ात में वो अलाज़ीज़ है अपनी ज़ात में वो अलाज़ीज़ है लेकिन अपनी मखलूक़ात के लिए वो अमोज़ है वो ख़ुद अजीज है और मखलूक़ात में से जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है और वो ख़ुद अजीज़ है तो मखलूक़ात में से जिसको चाहता है जलील करता है अमोज अलमाज अलमदिल्लु वही के जो इज्जत देने वाला है वही के जो और रस्वा करने वाला है फिर इसी तरह से अपनी ज़ात में वो अल्हहीकयूम है लेकिन उसका जो इसमलफ़ैल है या आसमालफ़ाल हैं उनमें वो अलमुह अलमुमीत है वो ज़िंदा करता है और वो मौत देता है तो इस तरह से उसका तारफ़ जो है वो समझा जाता है फिर वो अपनी तात में अलगनी है वो खुद अपनी ज़ात में अलगनी है या यान्नासंतम्फ़ाराउल्ला तुम सब के सब फ़क़ीर हो अल्लाहमीद और वो है जो अलगनी अलहमीद है वो अपनी ज़ात में अलगनी है उसके साथ फकर का शाइबा तक नहीं है कोई भी इंसान किसी भी तरह से फकर को उसके साथ मंसूब नहीं कर सकता उसके दोनों हाथ फैले हुए हैं बलजदा मबसूत मबसूदान वो अपने हाथों को फैलाए हुए हैं और वो ख़र्च कर रहा है ये उसके सिफ़ा है उसके हाथ फैले हुए हैं और अपनी ज़ात में वो अलगनी है लेकिन अपनी मखलूक़ात के लिए वो अलमुनी है जिसको चाहता है गनी कर देता है जिसको चाहता है फ़क़ीर कर देता है तो ये उसकी शान है और इसको इन शब आगे चल के मजीद पढ़ेंगे तो ये जो नाम है अल्लाह ये ऐसा मुबारक नाम है कि अगर किसी ने कलील पर लिया थोड़ी चीज़ के ऊपर लिया तो वो ज़्यादा हो गई वो बाबरकत हो गया अगर किसी ने उसे खौफ के वक्त में पुकारा तो उसका खौफ दूर हो गया अगर कोई अल्लाह ये लफ्ज़ जो अल्लाह है इस मुल इसमात इस मुल जो अल्लाह है अगर कोई इसको उन लम्हात में याद करता है कि जब वो दुखी है तो उसका दुख दूर हो जाता है और जब वो इसको तंगी में पुकारता है तो उसकी जो तंगी है वह वसत में बदल जाती है और फिर जब कोई उसको आजज़ी के वक्त में पुकारता है कमज़ोरी के वक्त में पुकारता है तो अल्लाह वो वो पावरफुल नाम है कि जो उसके एजस को उसकी को कोत में बदल देता है और ये वो नाम है कि अगर इसको किसी कमज़ोर या जलील ने लिया तो वह इज़्ज़त वाला हो गया और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये वो नाम है कि जो कमज़ोर को या जलील को इज़्ज़त वाला बना देता है और अगर कोई फ़क़ीर इस नाम से उसको पुकारता है तो अल्लाह सुबहाना व ताल के अलगनीमुगनी के हुक्म से अलगनी के हुक्म से वालमुगनी हो जाता है कोई मगलूब अगर ये नाम लेता है तो उसको अल्लाह ताली अल अज़ीज़ की तरफ से ताईद व नुसरत मिल जाती है और फिर जब कोई बेकरार जब कोई परेशान हाल उसको पुकारता है तो उसकी उसको करार मिल जाता है उसको सुकून मिल जाता है कोई बेआसरा जब उसको पुकारता है तो उसको आसरा मिल जाता है ऐसा बाबरकत नाम कि जिससे दुख दर्द दूर हो जाए गम के बादल अगर हों तो वो छट जाएं, बरकतें चाहिए तो उनका नज़ुल यकीनी हो जाए क्यों? कि इस नाम को पुकारा गया अल्लाह कहा गया तो जिसने सिर्फ़ इस नाम को पुकार लिया इसकी पहचान हासिल कर ली तो उसके लिए इन बातों का या इन चीज़ों का होना ये वो हकीकतें हैं कि वो खुद हकीकत है और इन चीज़ों का मिल जाना उसके लिए यकीनी है ऐसा अजीम शान नाम कौन सा जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं अल्लाह ऐसा नाम कि जिस पर आसमान कायम है जिस नाम पर जमीन व आसमान कायम है और बशमूल इंसान तमाम मखलूक को पैदा करने वाला उन्हें रिस्क देने वाला उनकी निगहदाश्त करने वाला उनसे मोहब्बत करने वाला फिर उन सब को समेट कर अपनी अदालत में अपने सामने जमा कर लेने वाला इन सब चीज़ों पर अलदिरदिरर अलमुखदिर कौन है वो अल्लाह तआला तो हम जिस तरह से भी इन नामों को पढ़ते हैं तो यूँ लगता है कि जैसे दरमियान में अल्लाह व तआला का नाम जगमगा रहा है और उसके इर्द गिर्द उसके असमा सिफ़ात हैं और जब हम उसकी ज़ात को पहचानना चाहते हैं तो उसकी सिफात से उसको पहचानते हैं और जब हम उसकी सिफात को पहचानना चाहते हैं तो उसकी जात से उसको पहचानते हैं और जब तक हम उसकी ज़ात को नहीं पहचान लेते उसकी सिफात नहीं समझ में आती तो सारी इन सारी चीज़ों को जब हम समझते चले जाते हैं और फिर हम जब हम पूछते हैं कि अल्लाह कौन है और ये हम पूछ सकते हैं हमसे पहले लोगों ने पूछा हर वक्त और हर जमाने के लोगों ने पूछा कि अल्लाह कौन है तो अल्लाह सुबहान वत ख़ुद जो इस ज़ात का मालिक है वो अपना तारुफ़ कराता है वो कहता है अल्लाह कौन है उसका जवाब ये है लहुल अल्लाहसमाहसना लहु ये उसका एक तारुफ हो गया फिर उसके बाद जब कोई और सवाल करता है या किसी और के सवाल के जवाब में वो एक और अंदाज़ में जवाब देता है वो ये कहता है फ़ालम अल्लाह लूब जान लो कि अल्लाह कौन है ला इलाहा इल्लाहु वो जिसके जिसके सिवा कोई इलाह नहीं है तो आप देख रही हैं कि अल्लाह ताला के इस मुजात के साथ एक और इस्म जो आ रहा है वो है इलाह तो इलाह का माना अल इलाह अल्लाह ताला का एक नाम है अल इलाह तो अल्लाह ताला जब अपना तारुफ कराते हैं जब कोई पूछता है कि अल्लाह कौन है तो अल्लाह ताला खुद उसका तारुफ दे रहे हैं कि ला अला इलाह वो कि जिसके अलावा कोई इलाह नहीं है वो कि जिसके अलावा कोई महबूद नहीं है और फिर जब ये कहा जाए कलमाय तो के जिस पर हम सब का ईमान है कि ला अला तो उसमें किसका तारुफ दिया जा रहा है दरअसल अल्लाह सुबहान वाल का तारुफ़ दिया जा रहा है और यही वो तारुफ है कि जिस पर उलूहियत रुबूबियत क़ायम होती है कि अल्लाह ताला इलाह है और फिर वो रब है तो तोहद उलूहियत भी है तोहैद रुबूबियत भी है तो वो उसके ऊपर क़ायम होती है तुम्हारा सारे दीन की इस बुनियाद यही क़लिमा है और इसी कलिमा को लेकर हर नबी ने अल्लाह ताला की दावत इंसानों तक पहुँचाई हर नबी की पुकार यही थी वल्लाबल कम रसूलिन ला अन्ना हर नबी की पुकार यही थी कि ला अला उस उनको बता दो कि मेरे सिवा कोई इला नहीं है फब उदूनी बस तुम मेरी ही इबादत करो तो अब हम ये देखते हैं, अगर 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 हैं कि अगर अल्लाह का इस्मुज जात या इस्मुल ज़लाला व लहुल हमदु व हुवा अला कुल्ली शैइन लाला वह दू ला शरीक ला। तो अब इस हिस्से पे भी अगर हम गौर करें तो ला इला तो यहाँ पर भी इलाह का लफ्स आ रहा है तो मालूम ये होता है कि अल्लाह ताला का जो ी नाम है वो जिस तरह से बना है उसका रूट उसके हरूफ़ असली जो हैं वो इलाह हैं अलिफ लाम और हा इलाह आलिहा से यह लफ्स बना है और या पे अगर अल लगाया जाए तो उसी से फिर ये बन नाम बनता है अल्लाह और इस नाम की आजमत इस नाम की बड़ाई इसका मकाम और मर्तबा के इसको अपनी ज़ुबान में से जब अदा किया जाए तो मोटा करके अदा किया जाए कि इसके इस नाम का हर जो हर्फ है वो सौती इरतफा से मुंसलिक है वो ऊपर को उठता है कुछ हरूफ़ होते हैं कि जो नीचे की तरफ़ आते हैं या बराबर की तरफ आते हैं फैलते हैं लेकिन देखें अल्लाह हर जो हर्फ है ये ऊपर की तरफ उठता है और ज़ुबान भी इसको अदा करते हुए ऊपर की तरफ उठती है और ज़ुबान की तारें जो दिल से जुड़ी हुई हैं अल्लाह कहने से दरअसल ये नाम दिल के अंदर पेनेट्रेट करता है इस नाम का कनेक्शन दिल के साथ बन जाता है जब हम उसको सही तरह से अदा करते हैं अल्लाह तो ये जो ज़ुबान के नीचे के जो आ, जो हमारे टिश्यूज़ हैं या मसल्स हैं वो दिल के साथ कनेक्ट हैं तो जब कहा जाए अल्लाह तो ये असल में ख़ास तरीक़ा है अल्लाह ताला के नाम को पुकारने का या बुलाने का या कहने का कि अल्लाह ना कहा जाए अब अल्लाह कहते हैं तो हा भी नहीं कही जाती अल्लाह क्या चीज़ है अल्लाह कुछ नहीं है अल्लाह तो अल्लाह तो, अल्ला। तो, अल्ला। तो इस तरह से इसको अदा किया जाना चाहिए अल्लाह इल्लल्लाह ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं और कहते हुए भी हा को तो खा ही गए हालांकि ये हा जो है ये इस नाम की असली नाम के का नाम का एक हिस्सा है तो यही वो नाम है कि जो इस्मुल आजम है सबसे बड़ा नाम इससे बड़ा कोई इस्मुल आजम नहीं है जब हम इस्मुल आजम की बात करते हैं या जिसको हम इस्मे आजम कहते हैं तो इस हवाले से भी हमारे बहुत अजीब से तसवरत हैं हमारे ख्याल में इस्मे आज़म वो है वो नाम है जो किसी वो अलादीन के चरा की तरह कहीं पे जैसे रगड़ा जाए तो उसमें से जिन निकल आए और वो जो है हमसे कहे कि जो जो हुक्म आप देंगे या जो काम आप कहेंगे वो हो जाएगा ऐसा कुछ अल्लाह ताला के नामों के साथ या आजम जो हैं उनके साथ कोई चीज़ मुंसलिक नहीं है ये बहुत गलत तस्वरत हैं याकायद हैं जो हमारे यहाँ हैं इनको भी दुरुस्त कर लेना चाहिए अल्लाह ताला का जो आज़म है वो अल्लाह है और उसके अलावा भी आसमाऊ सफ़ात में से भी कुछ इसम हैं जैसे अल्हाम को इस मुलाज़म कहा गया अलमन्नान नाम को इस मुलाज़म कहा गया लेकिन अहद समद को भी इस मुलाज़म कहा गया लेकिन अल्लाह ताला का जो सबसे बड़ा नाम है जो इसम है जो मरकज़ी हैसियत रखता है वो है अल्लाह इससे बड़ा इसज़म कोई नहीं है क्योंकि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है जब हम कहते हैं कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तो ये एक बहुत बड़ी बात है ये एक बहुत बड़ा इकरार है जो एक बंद मोमिन की ज़ुबान से निकलता है जब वो कहते हैं अकबर और जब वो अल्लाह ताला की इस मजाद की मारिफत के साथ ये कहेगा अल्लाह अकबर तो उसके जिस्म का रवा रवा उसके पूरे जिस्म का एक एक सेल जो है और उसके दिल की गहराइयों से ये चीज़ जो है निकलेगी और वो उसको महसूस करेगा कि वाकई अल्लाह सबसे बड़ा है अकबर अल्ला अल्लाह आज़म तो यही इस मुलाजम है और जब जो शख्स भी इस हस्ती का जिक्र मुबारक ज़ुबान पर लाए तो उसके लिए इस नाम की नस्बत से तीन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है उसमें सबसे पहली है सिफातल वजूद सिफातुलजूद और दूसरी है कमाल और तीसरी है सिफातुलवादानिया ये तीन चीज़ें लाज़िम है कि उसके ऊपर हम ईमान लेकर आएं किसी एक चीज़ पर अगर सिर्फ ईमान रखा जाए और बाकी को छोड़ दिया जाए तो ईमान मुकम्मल नहीं होता है तो सिफातुल वजूद यानी सबसे पहले तो हमें ये मानना है कि अल्लाह ताला मौजूद है वो मौजूद है और अल्लाह सुफान वो कि जिसका इस्तेवा अर्श के ऊपर है उसने जमीन व आसमान को पैदा किया और फिर उसने अर्श के ऊपर इस्तेवा किया तो उसके वजूद को मानना कि कोई एक ताकत ऐसी है कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में मैं हूँ जिसके हुक्म से मैं एग्ज़िस्ट करती हूँ और जिसके हुक्म से ये सारी कायनात एग्ज़िस्ट करती है ये कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा ये जो हमारे हाथ में एक पीस है अगर मैं आपसे कहूँ कि ये खुद ब खुद बन गया ये जो मेरे सामने एक छोटा सा हिस्सा रखा है किसी चीज़ का मैं कहूँ कि यह खुद ब खुद बन गया तो हम मानने को तैयार नहीं है कि ये कैसे हो सकता है कि यह खुद ब खुद बन गया अगर ये एक छोटा सा फोन जो है वो खुद ब खुद नहीं बन सकता इसको बन बनाने वाली कोई कोई मौजूद है कोई शख्स मौजूद है जिसने इसको वजूद दिया तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हादसाती तौर पर ये इतनी बड़ी कायनात बन जाए इसको बनाने वाला ही कोई ना हो तो अब ये जो अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर ईमान का पहला जो बुनियादी है हिस्सा है वो दरअसल ये है कि हम उसके मौजूद होने को माने कि वो मौजूद है और जब वो मौजूद है वो अल्लाह है वो मौजूद है तो फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है वो ये है कि उसकी तमाम जो सिफ़ात हैं वो कामिल और वो मुन्जा है वो अल्कदस है ऐब अल का कमी का कोताही का कोई शाइबा तक उसके साथ नहीं है उसके किसी भी काम में कोई नक्स है ही नहीं है और किसी के अंदर ये जरूरत नहीं कि उसके किसी भी फैसले को किसी भी काम को वो चैलेंज कर सके और वो वो अल्लाह के जो अल-अहद है वो कि लम यद वलम यू लद है कि ना जाहिर है ये उसकी शान है कि ना उसको किसी ने पैदा किया ना वो किसी से पैदा हुआ इसलिए कि वो आला है वो बरतर है वो मुनज़ा है वो मुबर्रा है वो हर ऐब से पाक है वो हर ऐप से पाक है कोई ऐप जो है वो उससे एसोसिएट नहीं किया जा सकता तो उसके तमाम जो सिफात हैं वो कमाल की सिफात हैं कमाल की सिफात नहीं है क्या उसने इस कायनत को बनाया तो बहुत कमाल बनाया बहुत कमाल बनाया हल तराफूर देख लो क्या को क्या कहीं कोई बेरबतगी नज़र आती है क्या कहीं ऑर्डर में कोई ख़ल नज़र आता है क्या कभी ऐसे हुआ कि सूरज ने निकलने से इनकार कर दिया हो कभी क्या क्या ऐसा हुआ कि रात छाई और उसने बस जिद की कि अब मुझे रात ही रहना है दिन को नहीं चढ़ना तो वो हो जाए ऐसा नहीं होता है और उसने बहुत कमाल बनाया इस पूरी कायनात को बहुत कमाल बनाया और उसने फिर इंसान को भी बहुत कमाल बनाया क्या इस इंसान के वजूद के ऊपर गौर करने से ये बात समझ में नहीं आती है कि अल्लाह अल्लाह ताली की सिफात कमाल हैं परफेक्ट हैं मुकम्मल हैं तो उसके जो उसकी सिफातुल कमाल हैं सिर्फ़ इस एक हाथ को देख लीजिए क्या कमाल का ये हाथ उसने बनाया क्या किसी इंसान के बस में था को ऐसा ये हाथ बना देता और किस तरह से इसकी साख्त उसने बनाई कैसे इसको इस मुट्ठी को बंद कर लेने का और इसको पकड़ने का और इसको फैला लेने की कौत ये किसने बख्शी क्या कमाल का दिमाग उसने बनाया अगर ये एक चीज़ हमें इसको बनाने वाले के उसके कमाल का इजहार करती है तो इस कमाल बनाने वाले की अक़ल को कमाल बख्शने वाला कौन है किसने उसको बनाया तो बहुत कमाल का है वो रब उसने अगर दिल बनाया तो बहुत कमाल बनाया उसने हमारे जिसम में अगर गुर्दों का सिस्टम नसब किया नसब कर दिया तो बहुत कमाल का कर दिया ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं सिर्फ हमारी आंखों का ये जो पर्दा ये जो वाइपर ऊपर नीचे चलता है बहुत कमाल का है बहुत कमाल का है इसके ऊपर जो बाल हैं छोटे छोटे उगे हुए बड़े कमाल के हैं अगर हम सोना चाहें और ये पर्दा जो है ये शटर जो है ये भी ये बंद ना हो तो हमारी नींद जो है वही हराम हो जाए सिर्फ ये एक छोटा सा पर्दा और फिर उस पर्दे के पीछे ये जो आंख है कमाल की आंख नहीं है कमाल की आंख उसने बनाई है क्या खूबसूरत आंख उसने बनाई बहुत उसकी उसकी एक एक चीज बहुत कमाल है तो जब इंसान उसकी सिफातुल वजूद के ऊपर ईमान लाने के बाद फिर लाजिमन उसकी सिफातुल कमाल के ऊपर सोचता है तो वो अल्लाह ताला को पहचान लेता है तो उसको समझ आ जाती है कि अल्लाह कौन है अल्लाह कैसा है अल्लाह क्या करता है कैसे करता है क्यों करता है क्यों नहीं करता है तो वही जो सवालत मैंने आपके सामने रखे थे उन सब के जवाब एक एक करके सामने आते चले जाते हैं तो किस चीज़ को मानना बहुत ज़रूरी है अल्लाह ताला की जात के ऊपर ईमान जो हमसे तकाज़ा करता है वो ये कि सबसे पहले तो सिफ़ातुल वजूद कि हम माने कि वो है हम उसके ऊपर ईमान लेकर आए और वो अकेला है वहदहू ला शरीक लहू है लम यलिद वलम यूलध है असमद वो जात है वो असमद है और उसके लिए हम खालिस हो जाएं, और उसको भी खालिस कर लें वो है ही खालिस, लेकिन अपने तस्वुरा में अपने अकायद में हम उसको खालिस कर लें यह सूरा जो अलखलास है ये कितनी वज़नी सूरा है कितना कितना इसका वेट है इसीलिए कि इसमें अल्लाहन व ताली की जो सिफातुल वजूद हैं और जो सिफातुलकमाल हैं और जो सफातलवाहदानियाँ हैं वो बयान की गई हैं तो जब सिफातल वजूद को मान लेते हैं फिर कमाल को मान लेते हैं कि वो कमाल है और वाकई भी वो बेमिसाल है लई सा कम इसलिए ही उस जैसा कोई हो ही नहीं सकता कैसे हो सकता है कि वो जो पूरी कायनात को वजूद बख्शने वाला और फिर उसके अंदर जो उसने सारे निज़ाम बनाए हैं किसी एक चीज़ को ही इंसान ले ले और उस पर गौर करने लग जाए तो उसकी सिफात कमाल उसके सामने इंसान के सामने आती चली जाती हैं अब इनशाला ये जो तीन नुक्ते हैं इन तीनों की रोशनी में आगे चल के हम अल्लाह ताला का नाम जुलजलव कराम और फिर रहमान की आ, का मताल करेंगे इनशाला तो आ, ये तीनों नुक्ते बहुत ज़्यादा खुलकर एक एक आयत और आयत के एक एक लफ्ज़ के अंदर हमारे सामने वाज होते चले जाएंगे तो आ, जब उसकी सफ़ात मकमल और जब उसके अफ़ल मुकम्मल और परफेक्ट और जब वो ख़ुद वाहिद और अहद और असमद है और मौजूद है एग्जिस्ट करता है तो फिर उसका जो नाम बना है तो वो इलाह से बना है तो इलाह के मानी क्या है जब हम अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह ताला के ऊपर जब ईमान लाते हैं तो उस के असल मानी क्या हैं कि हम उन मानी को समझ कर फिर हम उसके साथ जुड़ जाएँ फिर हमारा और उसका ऐसा खूबसूरत ताल्लुक़ बन जाए कि जो वाकई अब्द और मबूद का होना चाहिए कि वो आप, यहाँ आब्द है और वो महबूद है और आब्द और महबूद के दरमियान के जो ताल्लुक है वो वो ताल्लुक डिवेलप होना चाहिए कि जो कि जरूरी है तो इलाह के कई सारे मानी अहले इल्म ने बताए हैं जिनमें इलाह का पहला माना जो है अलाहालिफ हमजा वाला अलिफ लाम और हा से इसका माना है कि उसने महबूद की इबादत की यानी आबादा ये पहला माना है उसका और इसी मादा से जब हम इलाह कहते हैं तो उसका तर्जुमा हम मबूद करते हैं कि वो के जिसकी प्रस्तश की जाती है वो के जिसको इबादत के लायक समझा जाता है वो के जो सजदे के का मस्तक है कि जिसको जिसको सजदा किया जाए और उसी का इसक़ाक़ इस्तिह्का, है कि सिर्फ उसी को सजदा किया जाए उसके अलावा किसी के सामने अपनी पेशानी ना झुकाई जाए किसी के सामने अपना दस्ते सवाल दराज ना किया जाए सिर्फ़ और सिर्फ़ और सिर्फ़ सिर्फ वो अल्लाह है कि जिसके सामने इंसान अपना सवाल पेश करे जिसके सामने वो रोए जिसके सामने अपनी हाजत पेश करे जिसके साथ अपना ताल्लुक क़ायम करे तो ये जो पहला माना है कि वो मबूद है इलाह यानी वो मबूद है ला इल्लल्लाह तो वो मबूद है तो फिर सवाल पैदा होता है कि अगर वो मबूद है तो फिर मबूद कौन है और कैसा है और क्या करता है और क्यों करता है फिर वही सवाल हमारे सामने आ जाते हैं तो उन सब का जवाब एक ही है कि वो हस्ती के जो हमारी मबूद है वो है अल्लाह अल्लाह और इसीलिए ये जो हमारा कलमाय तो है ला इल्लल्लाह अगर हम इसकी तरकीब को देखें तो ला इल्लल्लाह तो इसमें आखिर में, में अल्लाह आ रहा है और उससे पहले है ला इलाहा इल्ला तो इसके शुरू में जो ला इस्तेमाल हुई है अरबी ग्रामर में इसको कहते हैं कि ला नाफ़िया रिलजेंस यानी ये ऐसी ला है कि जो हर तरह की हर जिन्स की कतई कर देती है मिसाल से मैं आपको समझाती हूँ कि इस ला को यूँ समझें कि ये एक ऐसी कैंची है कि जो हर तरह के उसके साथ जुड़े हुए ताल्लुकात को या एसोसिएशन्स को या किसी भी तरह के गलत अकीदे को या गलत ख़्याल को या गलत तस्वुर को वो काट के रख देती है यानी अगर रिस्क देने वाला है तो कौन है वो सिर्फ़ अल्लाह है अगर मौत हयात है तो किसके पास है सिर्फ अल्लाह के पास है उसके अलावा कोई जिंदगी नहीं देने वाला कोई मौत नहीं देने वाला अगर इज्जत है तो सिर्फ उसके पास है और इसी तरह से अगर मगफिरत है तो सिर्फ वही है कि जो माफ़ करने वाला है और जब वो अब माफ करने का इरादा कर लेता है तो उसके इरादे को कोई रोकने वाला भी नहीं है तो ये जो ला नाफिया लिल जिन्स है इसका जो फंक्शन है अरबिक ज़ुबान में वो ये है कि जहाँ ये ला इस्तेमाल होती है तो उसके बाद दो इसम आने चाहिए उसके पीछे उसके पीछे दो इसम आने चाहिए उसमें जो पहला इसम है वो दरअसल इसम ला कहलाता है और दूसरा जो इसम आता है उस ला के बाद वो ख़बर ला कहलाता है तो ये है दरअसल जब जिसको हम पढ़ते हैं ला इलाहा असल में ये है कि ला इलाहा हक इल्लल्लाह तो ये जो हक का लफ्स है ये ख़... इसम महजूफ़ है यानी इसम यहाँ से हटा दिया गया है जो भी शख्स ये कहता है कि ला इला ला दरअसल ये कहता है कि ला इला हकन या दूसरा इसका जो ओमा ने बताया है कि जो इसका हजफ हुआ, हुआ हुआ हिस्सा है उसको आप यूं समझें कि वो है कि ला इलाहा, ला मबूद बेहन अ कि अल्लाह ताला के सिवा किसी को ये हक ही नहीं पहुँचता कि उसको इबादत के काबिल समझा जाए उसके सामने पेशानी झुकाई जाए उसके सामने हाथ जोड़े जाए उससे अपनी मुरादें मांगी जाए उसके सामने अपनी झोली फैलाई जाए ये हक किसको है सिर्फ मेरे और आपके मबूद को क्यों कि हमने कहा कि वो मबूद है और जिसने कहा वो मबूद है वो वो मबूद है और कहने वाला आब्द हो गया इन्नी आब्दुल्ला हम सब अल्लाह के बंदे हैं तो जब हमने ये कहा कि वो अल्लाह मौजूद है और ला इल्लल्लाह कह लिया तो फिर हम दरअसल अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्शन में आ गए और वो ताल्लुक है आब्द का और माबूद का तो आब्द और माबूद का जो ताल्लुक है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है जब ये बात समझ में आ जाती है कि इलाह का पहला माना दरअसल आबदा है कि उसने इबादत की आला आबदा यानी उसने इबादत की तो फिर जो शख्स भी ये कहता है के लाला बिहन इ तो फिर वो ये समझ लेता है कि अब अगर इबादत करनी है तो खालिस अल्लाह के लिए करनी है अब अगर सजदा करना है तो खालिस अल्लाह को सजदा करना है उसके अलावा कोई नहीं है कि जो मसदूद हो कोई नहीं है कि जो मबूद हो और फिर इस तरह से ला खालिका इला ला रज़ का ला मान्या इ यानी कोई जो है अल्लाह ताला के सिवा रोकने वाला नहीं और ला मतिया ला मबूदा इला ला नाफिया दार्ला तो आप सब सिफ़ात को उसके अंदर लाते चले जाएं और इस बात को समझते चले जाएं तो ये दरअसल वो ये ला दरअसल वो कैंची है कि जो तमाम मबूदा मा, ने बातिल जो फॉल्स गॉड्स हैं उनको काट के रख देती है और यही मोमिन का अक़ीदा है और जब मोमिन का ये अकीदा हो जाए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है तो माबूद की बात जब हम करते हैं और अब्द की बात करते हैं तो दरमियान में इबादत आ जाती है मबूद और आब्द की बात जब होती है तो ये जो दरमियान में डोरी और रस्सी है ना वो दरअसल इबादत है और उस इबादत का माना क्या है इबादत का माना यह है अ इबादत मा माँ यातलखब्बी इबादत का मतलब दरअसल है कि इंतहाई दर्जे के खजू के साथ इंतहाई दर्जे की आजज़ी के साथ इंतहाई दर्जे की मोहब्बत के मजमु का नाम इबादत है यानी इबादत इसलिए ना की जाए कि अगर इबादत ना की तो सज़ा मिलेगी इसलिए ना की जाए कि अगर बात ना मानी तो नुकसान उठाना पड़ेगा इसलिए ना की जाए कि अगर अल्लाह की ना मानी तो एक कोई डंडा है जो सर पे बरसेगा और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इसलिए नहीं बल्कि इबादत के अंदर मोहब्बत का अंसर मौजूद है और मोहब्बत का अंसर होना चाहिए इबादत के लिए मारिफत और एतात का होना जरूरी है जैसे जैसे हमें उसकी मारिफत मिलती चली जाती है ना कि वो है कौन वो कैसा है वो क्या करता है वो कैसे करता है वो क्यों करता है उसने ये सारा सिस्टम क्यों चलाया उसने मुझे और आपको क्यों पैदा किया उसने जन्नत और जहन्नम के वादे क्यों किए उसने क्यों हम सबको अपने सामने एक दिन इकट्ठा कर लेना है तो फिर समझ ये आती है कि ये जो मारिफत है ये दरअसल इंसान को एत की तरफ लेकर जाती है और जब इंसान को मारिफत मिलती है तो एतात आसान हो जाती है और जब वो अल्लाह ताला की एतात में अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाता है तो फिर वो अपने अंजाम को अल्लाह ताला के यहाँ बेहतरीन कर लेता है और ज़ालिकल फौजुल ज़ालिकल्फौज़ज़ुलज़ीम किसी को बहुत बड़ी कामयाबी कहा गया ये कामयाबी की सीढ़ियाँ हैं ये दरअसल दर्जात हैं जो हमें उस असल कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं कि जो आख़रत की कामयाबी और बहुत बड़ी कामयाबी है आलिया का दूसरा माना है अरबी ज़ुबान में वो है तहैारा और इसका मतलब है कि हैरत में डूब जाना यानी इंसान जो है वो जब आलिया या इलाह के ऊपर गौर करे और फिर इस ग़ौर के नतीजे में वो अल्लाह को मान ले और उसको अपना मबूद तसवुर कर ले हकीकत के रूप में तो फिर उसको ये बात समझ में आती है कि उसके कमालत उसके एहसानात उसकी अजमत व हैबत उसकी ताकत और क़वत उसकी जो ख़लाकी है यानी किस तरह से उसने क्रिएट किया है इस पूरी कायनात को और उसकी किबरियाई और उसका जबरूत और मलकूत ये इतना बड़ा है इतना बड़ा है कि जब इंसान उसके ऊपर गौर करता है तो वह हैरत के समंदर में डूब जाता है वो हैरान हो जाता है कि इतनी बड़ी किबरियाई इतनी बड़ी कायनात इतनी बड़ी उसकी कुदरत और फिर ए, जब वो अल्लाह ताला के बारे में सोचने लगता है तो उसको समझ आती है कि अल्लाह ताला के ये तो बहरे बेकिनार है जिसका कोई किनारा और सिरा नहीं है क्या कोई शख्स ये कह सकता है कि उसने अल्लाह ताला को ऐसे जान लिया उसने अल्लाह ताला की ऐसे इबादत कर ली उसने अल्लाह ताला की ऐसे एताद कर ली जैसा कि करने का हक़ था कोई नहीं कह सकता ना अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम जो कि इबादत और एतात के एक बड़े बुलंद मकाम पे हैं वो कहते हैं लाओफसी अन आलईक अनत कमा असनई तला नफसिक बहुत प्यारी ये दुआ है ये याद होनी चाहिए ये दुआ का एक हिस्सा मैंने आपको बताया अनत कमा असनई तला नफसिक यानी आपकी हमदो सना का आपकी एतात का आपकी उसका तो हक ही अदा नहीं हो सकता आपकी सना हो ही नहीं सकती अन तमा असनई तला नफसिक आप ऐसे हैं जैसे आप खुद हैं वजह से आप ख़ुद अपनी तारीफ़ बयान कर सकते हैं तो जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमें अल्लाह ताला के इस नाम में जो अक़ीदा मिलता है वो अक़ीदा इतना जामे है और इतना गहरा है कि हमें समझ आती है कि उल अल उल आखिर वल बािनू विकुल्लीशीन आलिम अव्वल भी वही है आखिर भी वही है ये ये चार नाम है जो जोड़ा आते हैं और ये वो नाम है कि जो इंसान के अकीदे को इतना मजबूत कर देते हैं इतना मजबूत कर देते हैं कि जितनी मजबूत एक बहुत बड़े पहाड़ की बुनियाद भी नहीं होती है मोमिन को वो अकीदा मिलता है जो उसको पहाड़ों की बुनियाद से ज्यादा मजबूत कर देता है इतना उसका ईमान मजबूत हो जाता है जब उसको ये मारिफत मिलती है कि उसका रब ऐसा है कि वो वल-आखिरू, वल व वल आखिरतिन कि वही है कि जो अजल से मौजूद है और सदा रहने वाला है और अक्ल उसके करिश्मों के आगे दंग है और ज़ुबान उसकी अजमत का आ, का इजहार नहीं कर सकती अगर हम सुबह शाम दिन रात उसका शुक्र अदा कर सकें करते रहें तो क्या हम उसका शुक्र अदा कर सकते हैं नहीं कर सकते व इन तवद्दू नेमत ही लातखसू तुम तुम तो बस अहात भी नहीं कर सकते उसकी नेमतों का के तुम उसका हक अदा करो और अल्लाह ताला कहते हैं व मा कदर अल्लाह हक का कदरी यानी इतना वो बड़ा है जो इंसानी अकल में समा नहीं सकता उसकी हमद का हक़ अदा नहीं हो सकता किसी ने उसको पैदा नहीं किया ना वो किसी की औलाद है ना उसकी कोई औलाद है वो बादशाहों का बादशाह जो असमद है और वह खुद अकेला असमद होने के लायक है वो उसको सजावार है उसको वो लायक है कि वो खुद ही असमद इस हो इसलिए कि वो मालिक है मलिक है और मलिक है कि वो मालिक भी है मलिक भी है और मलिक भी है यानी शहनशाहों का शहनशाह दरअसल वही बहुत बड़ा बादशाह है जो शहनशाह है और फिर वो ख़ुद अपनी सना बयान करता है उसकी सना और हम का कोई हक़ हाँ अदा नहीं कर सकता अव्वल व आखिर वही है ज़ाहिर व बातिन वही है करीब भी है और समयम बसीर भी है करीब इतना कि वो कहता है कि मैं तुम्हारी शहर से भी ज़्यादा तुमसे करीब हूँ और सभी बसी ऐसा कि तुम अपने ज़ुबान पर कोई लफ्स लाते नहीं कि वो उसको सुन लेता है और ये तो दूर की बात है कि तुम अपनी ज़ुबान अपनी फरियाद अपना दुखड़ा अपनी हाजत को ज़ुबान पर ले कर आओ वो तो दिल की कैफियत को भी पढ़ लेता है वो तो जानता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है वो तो तुम्हारी हाजतों से खूब खूब वाकफ़ है उसको पता है मेरी ये बंदी ये किस हाल में है वो मेरे और आपके हालत और मेरे और आपके मकाम और कैफियत से बखूबी वाकिफ है हम उससे छुपे हुए नहीं हैं उससे छुपे हुए नहीं हैं जैसे अगर मेरे इस इस हा इस तली के ऊपर एक दाना रखा हुआ हो और अगर मेरी आँखें सही काम करती हैं मैं और आप हम सब उसको देख सकती हैं। ऐसे मैं और आप हम सब उसके सामने हैं और जब हम उसको पुकारते हैं तो लाखों करोड़ों पुकारने वाले हों तो वो भयक वक्त हर एक की पुकार को सुन सकता है ऐसा समय व बसीर जो दिल में उभरने वाले ख्यालात बस बसों और सरगोशियों तक से वाकिफ़ है उसके यहाँ ये नहीं है ज़रूरत कि कोई इंसान अपनी ज़रूरत को ज़ुबान पर लाए तो ही उसकी अल्तजा जो है वो कबूल होगी नहीं कोई अगर अपनी ज़रूरत को सिर्फ एक आंसू से उसके सामने पेश कर दे अपनी तौबा को सिर्फ एक आंसू या अपने दिल में एक नदामत का जो ख्याल है उससे ही उसके सामने पेश कर दे उसके लिए काफी है वो इस बात से उसको जरूरत <स्थ> नहीं है इंसानों के सामने तो अपनी सफाई पेश करनी हो तो हम क्या कुछ नहीं करते क्या कुछ नहीं करते किसी एक इंसान के सामने बस अपनी सफाई पेश करने लग जाइए तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसके सामने अपनी सफाई पेश करनी है तो बस नदामत का एक गहरा एहसास जो दिल के अंदर मौजूद है वही काफ़ी हो सकता है वही काफ़ी हो सकता है और कोई भेद उसके लिए भेद नहीं है ये भेद इंसानों के लिए हैं लेकिन उसके लिए कोई भेद भेद नहीं है कोई ताकत कोई चाल कोई तदबीर कोई मंसूबा, उसके मंसूबों से बढ़कर नहीं है कोई कितना भी चालाक हो कोई कितना भी होशियार हो कोई कितना भी एक्सपर्ट हो लेकिन अल्लाह ताला की तदबीर के सामने वो हीच है वो कुछ भी नहीं है ज़मीन की तहों में छुपे खजानों आसमान की वसातों के अंदर जो चीज़ें छुपी हुई हैं उन सब के राजों को वही अकेला जानने वाला है याद रखिए कि तारीकी के जो तने हुए पर्दे होते हैं ना उनके पीछे देख लेने की ताकत रखने वाला अल्लाह है ये भी उसका एक तारुफ है ये ये आंखें मोहताज हैं कि बस रोशनी हो तो देख सकते हैं यानी अल्लाह ताला ने इनको नूर दिया है इनके अंदर रोयत की ताकत डाली है लेकिन फिर भी ये मोहताज है कि जब तक ये लाइट बल्ब नहीं जलेगा अगर कमरा तारीख है तो हम कुछ नहीं देख सकते लेकिन वो तारीकी तारीकी उसके लिए तारीकी नहीं है तारीकी उसके लिए रोशनी है क्यों इसलिए कि अल्लाह नूरसमावा वही ज़मीन व आसमान का नूर है उसका एक तारफ ये भी है और फिर गैब का इल सिर्फ और सिर्फ उसी के पास है ये हमारे अकीदे की एक अहम कड़ी है और उसको होना चाहिए और जो नज़र न आने वाले लश्करों से अपने बंदों की मदद करने पर कादिर है बहुआ यानी वो फ़ोर्स वो ताकतें कि जो इंसान को नज़र नहीं आती हैं लेकिन आ, आ, वो उसके लिए वो वहाँ पर मौजूद हैं और वो क़ादिर है इस बात पर कि उन फ़ोर्स के ज़रिए से उन ताकतों के ज़रिए से वो इंसान की मदद करे और वो कि जिसके लिए इशारा कन काफ़ी है इशारा कन उसके लिए काफ़ी है और वही कि जो ईमान वालों के लिए जब दुनिया अंधेर हो जाती है जब जुल्म ज़्यादा होता है जब परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है जब कोई सदमा ऐसा आन पहुँचता है कि जिससे इंसान चूर चूर हो जाता है तो उसी के अंदर जब उनके अंदर उनके दिल में ईमान की रोशनी मौजूद होती है तो उसी ईमान की रोशनी में वो उनको रास्ते दिखा देता है वो उनके लिए मंजिलें आसान कर देता है वो उनको अपने अपने वजूद का एहसास दिला देता है और फिर कोई कोई लम्हे ऐसे आते हैं जब हम कहते हैं कि हमने महसूस किया कि हमारा रब वहाँ मौजूद था हमारी मदद के लिए वहाँ मौजूद था एक कनेक्शन और रबता होता है जिसको इंसान महसूस कर सकता है जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता और ये है दरअसल बंदे और अल्लाह का ताल्लुक़ तो वही अल्लाह के उसके बारे में जितना भी जान लो जितना भी पहचान लो वो हमारे इल्म से मावरा है अब यह नहीं हो सकता कि हम इतना सीख लें कि हम उसको मुकम्मल तौर पर पहचान लें जल्ला, जल्ला जलाल बड़ा है और सबसे बड़ा है और बहुत ही बड़ा है वो बड़ा है अपने जबरूत में वो बड़ा है अपने जलाल जमाल में वो बड़ा है अपने कमाल में वो बड़ा है अपने असमावत में वो बड़ा है और बहुत ही बड़ा है अपनी रहमत और अपनी मगफरत में वस यात राहमति कुल्ल वसयात रहमती कुल्लाश उसने उसकी उसकी, उसकी रहमत ने हर चीज़ को घेर रखा है हर चीज़ को वो इन इं, इनकम्पस किए हुए हैं बस एक बस हर चीज़ उसकी रहमत के अंदर है और वह रहमान और रहीम है उसकी मेहरबानी है कि उसने ये सारा सिस्टम जो है वो बना दिया और उसकी रहमत और मग़रत की अगर हद नहीं तो उसकी मोहब्बत और उसकी शफ़क़त की भी कोई हद नहीं है वो इतना वो अलदूद है वो इतनी मोहब्बत करने वाला है कि उसकी मोहब्बत की कोई हद नहीं है उसकी शक्त और उसकी उल्फ़त की कोई हद नहीं है और अगर हम उसकी अफवो करम को नापना चाहें तो कोई पैमाना ऐसा नहीं मेरी साथियों मेरी बहनों कि जिससे उसका अफवो करम पहचाना जा सकता हो जिसके जिससे उसकी उसकी करीमी को पहचाना जा सकता हो और उसके अदल और इंसाफ उसकी तो कोई हद और इंतहा है ही नहीं है और मामला जब ख़त्म होता है तो उसके इंसाफ पर ही ख़त्म होता है ये दुनिया चलती चली जा रही है सब कुछ होता चला जा रहा है हम स, हम सब एक सफ़र में हैं और हम देख रहे हैं जैसे हो रहा है जैसे कोई किसी के साथ मामला कर रहा है हमारे मामला से भी वो वाकिफ़ है और दूसरों के मामला से भी वो वाकिफ़ है लेकिन जब उसके सामने जमा होंगे तो जो आखिरी फैसला होगा वो क्या होगा उसके अदल के ऊपर और इंसाफ फ्राहम किया जाएगा तो उसके अदल इंसाफ की तो कोई इंतहा ही नहीं है दल उसके ऊपर बस है और वो इसको कहते हैं अरबी में मनतहलियात यानी तमाम हाजतों जरूरतों गायतों सब की इंतहा है और मकसदों और मुरादों की इंतहा सब की ज़रूरतों को पूरा करने वाला वो कौन है वो अल्लाह है मेरा और आपका रब अल्लाह है वो अल्लाह के इसके बारे में हम जितना जानते चले जाएँ हमारी अकल हैरत ज़दा हो जाती है और इंसानी अकल में तो वो समा भी नहीं सकता लेकिन उसका ये तकाजा है कि उसको पहचाना जाए उसको पहचाना जाए उसकी मार्फत हासिल की जाए और इलाह का जो दूसरा माना हमने देखा वो ये है कि जब अल्लाह कहा जाए तो इंसान हैरत में डूब जाए और आलहा का एक माना कि हैरत में डूब जाना तो जब हम इस तरह से उसको उसके बारे में सोचते हैं तो हम हैरत ज़दा हो जाते हैं इतना बड़ा अल्लाह इतना बड़ा रब हमें तो उसकी बड़ाई उसकी किबरियाई का एहसास ही नहीं है अल्लाह अकबर कबीरा वहमदुल्ल ही कसीरा व सुबह अल्ला बकर व असीरा देखें ज़रा यानी अल्लाह ताला के नाम को आ, रोशन और वाजे करते हुए ये कलिमात कितने बड़े कलिमत हैं जिनको इंसान की एक कमज़ोर सी ज़ुबान जो है वो उठा लेती है और वो जिक्र करती है उसका जब उसका जिक्र करती है तो फिर उसकी क़वत बन जाती है उसकी ताकत बन जाती है वो रब उसकी अ... उसका उसका हाथ बन जाता है उसका पाँव बन जाता है वो अल्लाह इंसान की ताकत बन जाता है वो अल्लाह इंसान का इंसान का हिस्सा बन जाता है किस तरह से कि जब वो चलता है जब वो एक कदम उसकी तरफ आता है तो वो दो कदम उसकी तरफ आता है दस कदम उसकी तरफ आता है जब वो चल के जाता है तो दौड़ कर उसकी तरफ आता है तो ये है दरअसल अल्लाह सुबहान व काु का का एक हिस्सा कि जो इलाह की शक्ल में हमें मिलता है तीसरा आलहा का एक माना है वो है कि पनाह देने वाला पनाह देने वाला अब जिसकी पनाह ली जाती है ना वो यकीनन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकतवर होना चाहिए भई जिसने पनाह देनी है अगर वो पनाह देने के काबिल है तो उसकी पनाह ली जाएगी ना। किसी भूखे या फकीर या नंगे या मोहताज से कोई कर्ज़ा मांगने नहीं जाता क्या ऐसा होता है हमें कर्जे की ज़रूरत हो हमें मदद की ज़रूरत हो तो हम किसी ऐसे के पास चले जाएं कि जो हमारी नज़रों में हमें पता है कि वो मोहताज है तो उस जा उससे कहें कि हमारी मदद करे ऐसा नहीं होता है हम उसके पास जाते हैं जिसको हम समझते हैं कि वो वर्दी है वो वो ताकत रखता है वो इस्तात रखता है को हमारी मदद करेगा तो जब हमें पनाह लेनी है तो हमें अल्लाह ताला के सिवा <coughs> किसी और के यहाँ पनाह नहीं मिलती तो इलाह का एक माना है ल जाही यानी जिसके यहाँ पनाह ली जाती है किन किन चीज़ों के लिए हम उसके यहाँ पनाह लेते हैं सबसे पहले हम कुफ़र शिरक़ से उसके यहाँ पनाह लेते हैं और ये हक़ है उसका कि हम कुफ्र शिरक से जितना भी तरह का जो नजास्तें हैं उससे हम उसकी उसकी पनाह में आ जाएं फिर हम मुनाफिकत से उसकी पनाह में आ जाएं फिर हम नाफरमानी से उसकी पनाह में आ जाएं शैतान के शर से उसकी पनाह में आ जाएं बसमसों से उसकी पनाह चाहिए दुश्मनों की दुश्मनी से उसकी पनाह चाहिए दिखावे और रिया से उसकी पनह चाहिए परेशानी दुख तकलीफ़ गम की कैफियत में उसकी पनाह चाहिए बीमारी लग जाए तो भी हमें उसकी पनाह चाहिए आजज़ हो जाए तो भी हमें उसकी पनाह चाहिए सुस्ती गालिब आ जाए तो भी हमें उसकी पनाह चाहिए बुखल गालिब आ जाए तो भी हमें उसकी पनाह चाहिए बूढ़े हो जाए कमज़ोर हो जाए तो भी हमें उसकी पनाह चाहिए सख्त दिल हो जाए गाफ़िल हो जाए तो भी हमें उसी की पनाह चाहिए और अगर फ़क्रो फाक़ा हमें आ ले हालात पलट जाएँ आसानी थी अब तंगी हो गई तो भी हमें उसी की पनाह चाहिए और अगर हम मकरूज़ हो जाएं तो भी हमें उसी की पनाह चाहिए और अगर हमें किसी तरह से सोसाइटी के अंदर जिल्लत का सामना करना पड़ता है लोग हमें परेशान करते हैं तंग करते हैं रुसवा करते हैं तो उस वक्त भी हमें एक ही ताकत है प्यारी बहनों एक ही ताकत है जिसकी हमें पनाह मिल सकती है और वो है अल्लाह व तआला और हमें उससे पनाह चाहिए कि हम हम हमें उसकी पनाह में आने की ज़रूरत है कि हम हर तरह की कमज़ोरी से उसकी पनाह में आ जाएं और बीमारियों से और जुल्म से और ये जो कुदरती आफात हैं अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे ये जो अचानक आ जाने वाली मुसीबतें हैं अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे और न सिर्फ ये कि ये दुआ के लफ्ज़ हों कि अल्लाह तो हमें अपनी पनाह में रख बल्कि दिल के अंदर ये यकीन हो कि कोई और है ही नहीं कि जिसके यहाँ पनाह ली जा सकती है जब हम अल्लाह कहते हैं तो वो अल्लाह है कि जो हमें पनाह दे सकता है और उसी के यहाँ पनाह मिलती है कि जब नेमतें छिन जाएं जब अपने भी मुंह मोड़ लें जब दोस्त भी साथ छोड़ दें तो फिर कोई एक तो है ना जिसके पास जाया जा सकता है जिसके दरवाजे हर वक्त खुले हैं जो ले लेता है अपने बाजुओं में ले, ले लेता है अपना बना लेता है अपना बन वो वो बस इंतज़ार कर रहे हैं क्या दुनिया का कोई बादशाह ऐसा है कि जो अपने दरवाजे खोल के तो आवाज़ लगाए कि आ जाओ मुझसे मुलाकात का वक्त ले लो क्या कोई बादशाह ऐसा है किसी आम से आदमी से भी मुलाकात करनी हो जो किसी छोटी पोजीशन पे है तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है वक्त लेना पड़ता है मिन्नत तरले करने पड़ते हैं अपनी किसी ज़रूरत को पूरा कराने के लिए हम उसके दर पे जब जाते हैं तो हमें पता है कि क्या तरीक़ाकार होता है लेकिन वो ऐसा बादशाह कि जो खुद अपने दरवाजे खोल के बंदों को आवाज़ देता है आ जाओ मेरे पास मेरे दरवाजे खुले हैं आ जाओ मुझसे मेरे बन जाओ और वो तो बस हाथ खोले अपने बाजू फैलाए बल जदा हूँ मबसूदान उसके हाथ खुले हुए हैं अपने बाजू फैलाए इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे ये बंदे वो जो बाब थे जिन्होंने अल्लाह कहा है जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है ये जो कनेक्शन बन गया ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद बंदे का अल्लाह के साथ तो जब इस कनेक्शन में वो आ गए हैं इस रबते में वो आ गए हैं तो फिर वो उसके बन जाए ना तो फिर आ जाए उसके पास तो वो इंतज़ार करता है और फिर हम उसी की पनाह में आना चाहते हैं और वही है कि वो जो हमें सलामती देने वाला है आफियत के बदल जाने से हम उसी की पनाह चाहते हैं सलामती के बदल जाने से हम उसी की पनाह चाहते हैं अचानक तकलीफ़ के आ जाने से हम उसी की पनाह चाहते हैं बुराइयों से बचना चाहते हैं वस जान नहीं छोड़ते आजमाइशें एक के बाद एक आती चली जा रही हैं परेशानी एक के बाद एक घेर लेती है तो क्या करें उसी की तरफ जाना है शकावत और बदब्ती से बचने के लिए उसी के पास जाना है दुश्मन से डर लग रहा है उसी के पास जाना है एक ही हस्ती है जिसके यहाँ पनाह ली जाती है और वो है कौन अल्लाह जिसका इस मुजात अल्लाह है हमने उसको पहचानना शुरू किया ना क्या है उसकी पहचान कौन है अल्लाह कैसा है अल्लाह क्या करता है वो यही तो वो कर रहा है यही तो वो कर रहा है मेरी ज़िंदगी का निज़ाम संभाले हुए है ये मेरी हिमाकत है मैं समझती हूँ कि मैं इन कंट्रोल हूँ मेरा कंट्रोल कहाँ है हमारा कहाँ है ये तो उसका कंट्रोल है उसी की रहमतों के साथ तो हम चलते चले जा रहे हैं सोते हैं जागते हैं रिस्क खाते हैं चलते हैं फिरते हैं और उसकी तरफ से जब नेकी की तौफीक मिलती है तो हम करते हैं नेकी ये उसकी तौफीक है ये उसी की तौफीक है इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है और अगर कोई इसको अपना कमाल समझने लग जाता है तो उससे ज़्यादा अहमक कोई नहीं है इसलिए कि उसने अपने रब को पहचाना ही नहीं उसने अल्लाह जिस पर वो ईमान लाया उसी को नहीं पहचाना उसके नाम को ही नहीं पहचाना और फिर इलाह का एक और चौथा माना और सबसे ख़ूबसूरत माना वो ये है कि ये जो इमोशंस होते हैं ना इंसान के उसके जज्बात हैं मोहब्बत है, है नफ़रत है और ये जो अंदर इंसान के जो शूर होता है इसका जो एहसास है इसके बयान करने के लिए आलिया का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी ज़ुबान के अंदर मसलन मोहब्बत ख़ुशी लगाव, सुरूर शौक़ रगबत ये सारी कैफियत जो है ना ये इससे वाबस्ता है। और अहले अरब एक जुमला बोलते हैं और वो है कि अलीफ़ीलु या अल्लाह अलहन और इसका तर्जुमा ये करते हैं इज़ा नाहल हल फसीलो शवकन ही मैं आपको बताती हूँ क्या इसका तर्जुमा है इज़ा नाहल हल फसीलो शवकन उम्मी ही बहुत खूबसूरत जुमला है ये कि जब ऊँटनी का बच्चा माँ की जुदाई और मिलाप की तड़प में बेकरार हो जाता है तो उस वक्त अरब ये लफ्स बोलते हैं इसका मतलब ये है कि फ़सील कहते हैं ऊँटनी के बच्चे को कि उस उमर को कि जब वो जब उसका दूध छुड़ाने का वक्त आ जाता है तो जब ऊँटनी के बच्चे का दूध छुड़ाना हो तो उसकी माँ को ऊँटनी को चरागा में छोड़ दिया जाता है और बच्चे को ख़ैमे में बंद कर दिया जाता है और बच्चा माँ की जुदाई में तड़पता है और जैसे जैसे वक्त गुज़रता चला जाता है तो वो जो हनून है जो माँ की शफ़क़त और तलब और तड़प और ज़रूरत है वहाँ उस बच्चे के लिए वो उसको महसूस करता है तो फिर वो आवाज़ निकालता है जब वो बेकरार हो जाता है और जुदाई के दर्द में बिलबिलाता है तो फिर रोने जैसी एक आवाज़ निकालता है जब ये आवाज़ निकालता है तो अहले अरब कहते हैं अलीहलफ़ीलो यानी ऊँटनी का बच्चा माँ की जुदाई में बेकरार है और जब बंदा मोमिन को अपने इलाह की पहचान नसीब हो जाती है तो फिर जब वो रब उसकी ज़िंदगी में ईमान की उस कैफियत के साथ नहीं होता जैसा कि होना चाहिए या वो कोई ऐसी हरकत कर बैठता है कि जिससे उसको लगता है कि उसने अपने रब को नाराज़ कर लिया और उसके और उसके रब के दरमियान ताल्लुक़ कमज़ोर हो गया फ़ासला आ गया थोड़ी जुदाई हो गई तो फिर इस मारिफत को रखने वाला मोमिन बंदा तड़पता है रोता है उस जुदाई को महसूस करता है उस दुख से वो गुज़रता है और फिर जब वो ये देखता है कि उसकी ज़िंदगी में उसका रब इस वक्त उस तरह से मौजूद नहीं है जैसा ताल्लुक उसके साथ होना चाहिए था वो ताल्लुक़ नहीं है जैसी मोहब्बत होनी चाहिए थी वो मोहब्बत महसूस नहीं हो रही दिल की दुनिया बस वीरान सी है अंदर एक उदासी है परेशानी है नेमतें हैं लेकिन कमी है कुछ है जिसको वो खुद भी लफ्जों का रूप नहीं दे सकता जिसको वो खुद भी पहचान नहीं। वो खुद अपनी कैफियत को नहीं पहचान पा रहा वहाँ अक्सर अवकात ये होता है कि उसका दरअसल अपने खालिक और मालिक अपने रब के साथ कनेक्शन कमज़ोर हो चुका होता है अब इसी बात को आप उसमें समझें उस तनाजर में जो मैंने पहले बात की थी एक है कि इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल होना बिलाशुबा बहुत बड़ी नेमत है लेकिन उस दायरे के अंदर रहते हुए फिर ईमान के दर्जात पर चढ़ते चले जाना अपने ईमान को अच्छा करते चले जाना अपने रब के साथ ताल्लुक़ को बेहतरीन करते चले जाना ये है दरअसल इलाह का चौथा माना कि जब हम अल्लाह सुन वाल को पुकारें तो हम उसकी मोहब्बत की मिठास को महसूस करें हमारा एक ताल्लुक़ उसके साथ जब हो तो इतना ख़ूबसूरत ताल्लुक़ हो कि हम उसकी मौजूदगी को महसूस करें कि लम्हा लम्हा हम उसके साथ हैं वो हमारे साथ है वह हुआ महाकुम अ तुम वो तुम्हारे साथ है जहाँ कहीं भी तुम हो हम उसके साथ को उसकी कुर्बत को महसूस करें और ले जब ये साथ ये कुर्बत, यानी बच्चे और माँ का ताल्लुक़ क्या होता है कि बच्चा हर वक्त माँ के साथ है लेकिन जब उनके दरमियान फ़ासला कर दिया जाए जब ये फ़ासला फा, पैदा हो जाए और फासला पैदा करने वाली कोई भी वजह हो सकती है इंसानी गफलत हो सकती है नफ्स की आ, की शरारतें हो सकती हैं शैतान के वसवसे हो सकते हैं इब्लीस के हमले हो सकते हैं कोई भी वजह हो सकती है लेकिन इन वजूहत की बिना पर जब ये ताल्लुक कमज़ोर पड़ गया जब कुछ जुदाई हो गई तो फिर बंदा अपने रब की तरफ वापस आए पहचान जाए पलट आए और फिर वो बेसाख्ता ये पुकारे ला अलाबती जब कहा ना ला अल्ला तो फिर वो ये भी कहे कि ला अलागबती अल्लाह अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं जिसकी तरफ जाने और जिससे मुलाकात करने का शौक मौजूद हो कोई है ही नहीं है उसके पास उसके अलावा अपने भी साथ छोड़ जाते हैं लेकिन एक हस्ती ऐसी है कि जिसको उसने मान लिया ये है दरअसल उमिन गईब कि वो गई बिन देखे अपने रब के ऊपर ईमान लाते हैं देखा तो उसको नहीं है किसी ने लेकिन उसको उसको माना है ये उनके ईमान का हिस्सा है ये उनका अकैदा है तो यही बात जो शुरू में कही थी वो ये कि क्या हमारा रब अल्लाह हमारे लिए हकीकत है या सिर्फ एक तस्वर या ख्याल है सिर्फ एक रकीदा है तो जब वो हकीकत बन जाता है तो फिर बंदा मोमिन बेसाख्ता पुकारता है ला इलाबती इला الله, न रगबत और शौक़ अल्लाह ताला के सिवा किसी और के लिए हो सकता है बस सिर्फ उसी से मुलाकात का शौक़ हो उसी से मुलाकात का शौक़ हो और ये मुलाकातें ये मोमिन को तो हर वक्त मिलती हैं एक वो बड़ी मुलाकात है कि जिसका एक वक्त मुकर है लेकिन नमाज मोमिन के लिए मुलाकात है ज़िक्र मोमिन के लिए मुलाकात है क्या ये मुलाकातें नहीं हैं यानी हम वक्फे वक्फे से जाते हैं और अपने रब से मुलाकात करके आते हैं और अगर वह नमाज शोरी मुलाकात होगी और अगर वह नमाज अल्लाह ताली की मार्फत के साथ होगी तो अल्लाह अकबर कहते ही इंसान की कैफियत बदल जाएगी इंसान की हालत बदल जाएगी मोमिन की हालत बदल जाएगी कि वो किस हस्ती के सामने खड़ा है और फिर वो कहता है यानी ईमान वाला ईमान वाली बंदी ये कहती है ला महबूबा लल्ला वला मरहूबा लल्ल कि अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं है कि जिससे मोहब्बत की जाए और अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं है कि जिससे जिसका डर या जिसका खौफ रखा जाए अब जब हम डर और खौफ की बात करते हैं तो ये चीज़ भी हमें समझ लेनी चाहिए कि खौफ और रहब के अंदर फ़र्क है यहाँ पर रहब का लफ्ज़ आया है खौफ का लफ्ज़ नहीं आया खौफ होता है किसी जालम के जुल्म का खौफ होता है किसी नुकसान पहुँचाने वाले के नुकसान का खौफ होता है जब हम किसी ऐसे जानवर को देख लें कि जो मूजी है वो हमें काट लेगा तो हमें नुकसान होगा तो उसका हमें खौफ़ होता है जब हम किसी इंसान के सामने जाएं कि जो हमारी बेइज्जती दूसरों के सामने कर देता है तो उसका खौफ होता है जब कोई इंसान किसी इंसान के साथ ज्याती करता है और बेजाज़ ज्याती करता है तो उसका खौफ होता है तो ये दरअसल खौफ हैं तो जब किसी महबूब के रूठ जाने का और नाराज़ी का खौफ हो तो उसको दरअसल रहब कहते हैं खौफ और रहब में फ़र्क है <クож. <shift songs again> आप सोचिएगा इसके ऊपर इसको राहब कहते हैं मसलन बच्चे का ये खौफ कि उसकी माँ उससे नाराज ना हो जाए अब यह खौफ तो है लेकिन किस तरह का खौफ है अब यह खौफ दूरी पैदा करने वाला खौफ नहीं है ये दरअसल राहब है कि जो करीब ले आता है जो कनेक्ट कर देता है कि बस मेरा प्यारा मुझसे रूठ ना जाए और जितना जिसके साथ ताल्लुक होता है जितना जिसके साथ प्यारा होता है उतना ही उसके साथ राहत भी होता है आप देख लीजिए ज़िंदगी में जो आपको ज़्यादा महबूब है ना जो भी अगर आपका बेटा है बेटी है बाप है माँ है शौहर है दोस्त है जो भी आपका महबूब है ज़िंदगी के अंदर उतना ही आप उससे डरते हैं लेकिन उस डरने से मतलब ये नहीं है कि आपको उसका कोई खौफ़ है भाई वो तो आपका अपना है आपको उससे मोहब्बत है आपका उसके साथ स्पेशल ताल्लुक़ है तो फिर खौफ कैसे हुआ खौफ इस बात का है कि कहीं मुझसे ऐसा ना हो जाए कि वो मुझसे नाराज़ हो जाए तो मुझसे खफा हो जाए ये वो ख़ूबसूरत ताल्लुक़ है कि जो बंदे और अल्लाह ताला के दरमियान होना चाहिए जैसे माँ के रूट जाने का खौफ हो और वो खौफ उर्दू में अब खौफ कह रहे हैं लेकिन उसको रहब कहती है जैसे जिगरी यार के रूट जाने का नाराज़ हो जाने का खौफ हो कि हम उसकी नाराज़गी को बियर नहीं कर सकते बर्दाश्त नहीं कर सकते हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि वह चंद सेकेंड के लिए भी हमसे मुँह मोड़ ले ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता तो फिर हम कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारा रब हमसे मुंह मोड़ ले कि वो कि जिसके हम हर वक्त मोहताज हैं कैसे हो सकता है कि वो अब हमारी जिंदगी में ना हो हमारा रब तो और ताल्लुक उसके साथ वो वाला ना हो तो फिर हम मुतमिन हों हम खुश हों तो फिर जब हम ये कहें कि नमाज़ें भी पढ़ते हैं रोज़े भी रखते हैं कुरान की तिलावत भी करते हैं लेकिन वो कनेक्शन नहीं बनता है तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी हमने अपनी असल को ही दुरुस्त नहीं किया है हमने उस रब को पहचाना ही नहीं है हमने अपना और उसका उसके दरमियान जो ताल्लुक़ होना चाहिए था वो ताल्लुक़ ही नहीं बनाया वो ताल्लुक़ डेवलप ही नहीं हुआ जब उसके साथ मोहब्बत होगी और बेानतहा मोहब्बत होगी और ऐसी मोहब्बत होगी कि जैसे जैसे वो हमसे मोहब्बत करता है हम भी उससे ऐसी मोहब्बत करें और फिर उसकी मोहब्बत हमारे लिए सब कुछ हो तो फिर हर वक्त ये फिक्र रहेगी कि कोई ऐसा काम मुझसे ना हो जाए कि मेरा रब मुझसे नाराज़ हो जाए ये है वो नाराज़ी और ये है आलिहा का चौथा मानी कि शौक़ और मोहब्बत के साथ उसको पुकारना और अल्लाह सुबहान वाली की जात की जो के जो अल अल्कदूस है उससे मुलाकात का शौक़ मोमिन को बेकरार रखता है और सच्चा मोमिन जो है वो दरअसल उसकी नज़र को उसकी रहमत को उसकी तवज्जो को पाने के लिए बेचैन रहता है वो फिर बहाने ढूंढता है अच्छा कौन सा काम करूं तो अब ये मुझसे राज़ी हो जाए किस तरह से मैं उसकी रहमत को अपनी तरफ मतवज़ो कर सकती हूं और वो मेहरबान रब ऐसा ऐसा मेहरबान है अल्लाह ऐसा मेहरबान है कि वो तो बहाने बनाता है वो तो मौाक़े देता है चांसेस देता है हमको हमें के बस उसकी तरफ आ जाओ उसके बन जाओ क्या ये माह मुबारक जिसमें हम मौजूद हैं और उसका आज पहला दिन है क्या ये उसकी रहमत नहीं है क्या उसने हमें अपने साथ कनेक्ट करने के लिए साल के बारह महीने बनाए और उसमें एक महीना ख़ास कर दिया क्या ये उसकी रहमत नहीं है क्या इस ताल्लुक़ को बनाने के लिए उसने ये नहीं रखा कि उसने ये कर दिया फिर दिन को अगर रोज़ा है तो रात को क़याम लइल है फिर क़ुरान की तिलावत है और अल्लाह ताला की रहमत को मुतवज्जो करने के लिए दरअसल एक ये भी है कि हम यानी कुरान के साथ तो बहुत तरह के ताल्लुक जोड़े जाते हैं ना एक ताल्लुक़ नहीं है कुरान के साथ ताल्लुकात की ढेर सारी जहात हैं डायमेंशन हैं लेकिन कुरान uh, uh, के साथ ताल्लुक कभी कभी इसलिए जोड़ा जाए ठीक है किताब हिदायत तो है हमें उसको पढ़ना है उससे हिदायत देनी है रहनुमाई वही देगी इसमें कोई शक नहीं है लेकिन कभी कुरान को सिर्फ़ इसलिए पढ़ा जाए कि अल्लाह ताला की रहमत को मैं अपनी तरफ मुंतकिल करना चाह रही हूँ क्या मेरा रब मेरी तरफ़ देख रहा है या नहीं देख रहा कैसे पता चले कि मेरा रब मेरी तरफ़ मुतवज़ो है या नहीं है कैसे पता चले क्या कोई पैमाना है एक पैमाना है वो ये है कि हम कुरान की तिलावत सिर्फ़ इस नीयत से करें कि अल्लाह ताला हमारी तरफ मुतवज हो जाए और जो उसके कलाम को पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी तरफ मुतवज हो जाता है और कभी हम सिर्फ सुने और इसलिए सुनें कि उसकी रहमत हमारी तरफ मुतवज़ होगी व इज़ाकूरी आलिम फस्तम लहू व अनसतूँ लाकुम तुरहून ये तुरहून क्या है उसकी रहमत है और आ, उसकी रहमत तो है मौजूद है वो तो बरस रही है लेकिन उसकी रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जो करना जैसे माँ किसी काम में मसरूफ़ होना अल्लाह सल व ताला सारी दुनिया का निज़ाम चलाने के बावजूद भी न थकता है न उँगता है लाख हसन तुम वालम और फिर वो हम सब के सारे जो काम हैं उनको करता चला जा रहा है और उसके लिए उसमें कोई उकताहट नहीं कोई थकन नहीं कोई तकलीफ नहीं है लेकिन ये मेरी ज़रूरत है कि अब मैं उसको उसकी रहमत को अपनी तरफ मुतवज़ो करना चाह रही हूँ तो फिर मैं ढूंढूँ ना देखूँ ना कि मैं अपने उस महबूब को कैसे अपनी तरफ मुतव कर सकती हूँ क्या तरीका इख्तियार करूँ कि अब 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 मैं उसकी निगाह में हूँ और वो मेरी तरफ मुतवजू है वो अपने कारोबार को चला रहा है और बेहतरीन निज़ाम के तहत वो चला रहा है लेकिन उसके उस पूरे सिस्टम के अंदर उसकी एक बंदी जो उसकी मोहब्बत को पाने की कोशिश कर रही है उसके पास भी तो कोई तरीके होंगे ना कि उसको महसूस हो उसका दिल ठंडा हो जाए उसको पता चल जाए कि उसका रब उससे प्यार कर रहा है उसका रब उससे उसके उससे मुखातब है उसका रब उसकी तरफ़ देख रहा है मतवज है उसकी सुन रहा है तो ये वो ताल्लुक़ है जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि इसको डिवेलप करने के लिए अल्लाह सुबहानो मताल बहानों बहानों से बंदे को अपने क़रीब बुलाता है अपनी तरफ मुतवज़ो करता है उसमें अपनी रहमत के ख़ज़ाने बंदे के लिए मोमिन के लिए खोल रखे हैं कई कई शक्लें हैं उसकी और कुरान का पढ़ना कभी कुरान का सुनना कभी इस नीयत से कि उसकी रहमत जो है मेरी तरफ मुतवज़ो हो और कभी हम दुआ के ज़रिए से उसके साथ जुड़ते हैं और दुआ की भी तीन कैटेगरीज़ हैं जिसमें दुआ का पहला हिस्सा जो है यानी ज़िक्र ये दुआ है कोई भी जिक्र ला अला कहना ये भी दुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ना ये भी दुआ है तो दुआ के तीन हिस्से हैं एक है ज़िक्र यानी जिसमें तस्बीह आ जाती है एक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ना और तीसरा है मुनाजात तो हमारी आ, हमारी जो समझ है या हमारी डिक्शनरी में जो दुआ के लिए लफ्ज़ समझ आता है वो दरअसल हम सिर्फ मुनाजात को दुआ कहते हैं यानी जो हमारी ज़रूरत है वो हमारे लिए दुआ है और हम कहते हैं कि दुआ मांगना कि हमें ये मिल जाए दुआ मांगना हमारे बच्चों को हिदायत नसीब हो जाए दुआ मांगना हमारी ये मुश्किल आसान हो जाए बिला शुबा ये सब चीज़ें भी उससे मांगनी है लेकिन उससे पहले के जो द, द, जो दो दर्जे हैं दुआ के वो दरअसल अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन डेवलप करना है और जब वो कनेक्शन डेवलप हो जाता है जब वो ताल्लुक बन जाता है तो फिर उसके बाद इंसान उसके सामने अपनी अर्जी पेश करता है अभी मैं मिसाल ये देने लगी थी कि जैसे माँ बहुत मसरूफ़ है वलिलमसल अल्लाह ताला हमारी दुआ सुनने के लिए मसरूफ़ नहीं है लेकिन बात को समझने के लिए माँ बहुत मसरूफ़ है और वो या फ़ोन पे किसी से बात कर रही है या कोई काम कर रही है अब बच्चे को उसकी तवज्जो चाहिए तो बच्चा क्या करता है वो आके उसकी टांग पकड़ लेगा उसका कपड़ा पकड़ लेगा उसके हाथ से फ़ोन छीनने की कोशिश करेगा अगर वो फ़ोन पर बात कर रही है और अगर वो फिर भी मुतवजो नहीं होती तो कोई चीज़ ख़राब करने लग जाएगा कि अब ये मेरी तरफ मुतवज़ो होगी ये बहाने हैं एक बच्चे को भी अल्लाह ये अकल दी है कि वो माँ की तवज़्जो पाने के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है तो मेरी बहनों साथियों रब की तवज़्जो पाने के लिए हमें कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना नहीं उस मार्फत को अपने अंदर लेकर आना कि जो जब हमें मिल जाए तो फिर हम हम ढूँढें ना हम देखें ना कि इस वक्त अब मेरी क्या ज़रूरत है कैसे मैं अपने रब की मोहब्बत को पा सकती हूँ कैसे उसको अपनी तरफ़ मुतवज्जो कर सकती हूँ तो उसके फिर कई तरीक़े हैं उसके उसकेतात का बहुत बड़ा एक मफहम है बहुत बड़ी एक बात है उसके अतात जो है वो किस किस तरीक़ों से की जाए कभी इंसान अल्लाह तरीब आता है नवाफिल के ज़रिए से कभी इंसान अल्लाह तरीब आता है नमाज़ के ज़रिए से कभी इंसान अल्लाह तरीब आता है और उसको आना चाहिए कि वो किसी बीमार की आदत के लिए जाता है तो अल्लाह ताली कहती है कि मैं तो वहाँ मौजूद था जब तुम किसी सिख को विज़िट करने गए तो मैं तो वहाँ मौजूद था तुम किसी बीमार को विज़िट करने नहीं आए तो मुझे विजिट करने आए थे और हदीस आप सबको मालूम है मैं उसका सिर्फ उसकी तरफ इशारा कर रही हूँ बात को समझाने के लिए कि मैं बीमार था तुमने मेरी आदत क्यों ना की मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी क्यों ना पिलाया और मैं जो है वो मुझे तूने लिबास क्यों ना दिया मुझे तूने खाना क्यों ना खिलाया इस मफूम की जो हदीस है तो अल्लाह व तआला तो अल अहद यूल है लम यलिद लम यूलद है। तो उसको तो किसी चीज की कोई हाजत नहीं है तो फिर ये दरअसल उसने बंदों के साथ ताल्लुक बंदों का बंदों के साथ ताल्लुक और उसमें वो मौजूद है बंदों का बंदों के साथ ताल्लुक और वो अल्लाह ताला के लिए तो एक चैनल वो है कि जिस जो हमारी नमाजें हैं हमारी इबादत हैं जो हम करते हैं और जाहिर है जिसमें फ़र्ज़ का दर्जा है ओबियसली फ़र्ज़ तो फ़र्ज है उसमें तो अल्लाह ताला के ऊपर कोई एहसान ही नहीं है वो तो ड्यूटी है वो तो करना ही करना है उससे तो कोई मफ़र ही नहीं है ये नहीं है कि हम ये सोचें कि देखिए मैं तो पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ और दुनिया इतनी ढेर ऐसी भी है कि जो नमाज ही नहीं पढ़ती तो गोया कि हम तो बड़ा अल्लाह तला पे एहसान कर रहे हैं कि हम पाँच वक्त के नमाजी हैं ऐसा हरगिज़ नहीं है ऐसा नहीं होता तो ये तो दरअसल अल्लाह ताला की तौफीक है कि उसने हमें आ, ये आ, समझ दे दी कि हम ये काम कर रहे हैं लेकिन अल्लाह अल्लाह सुबहाना व ताली की मोहब्बत को पाने के लिए ये जो अल-इलाह का जो चार मानी मैंने आपके सामने रखे और उसमें जो आखिरी मानी है कि शौक़ और मोहब्बत से उसकी तरफ जाना और उसकी मोहब्बत को अपनी तरफ़ मबज़ूल करने के लिए वो बहाने ढूंढना वो तरीक़े ढूंढना कि कैसे वो मेरी तरफ उसकी रहमत जो है वो रुख कर सकती है और उसकी रहमत तो हर चीज पे छाई हुई है जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो लाइट ऊपर लगी हुई है इस लाइट का रुख किस तरफ है तो क्या कोई एक सिमत होगी कि हम बता सकें कि ये लाइट इसका रुख किस तरफ है अल्लाहन समावती वाल उसके एक्शन जो हैं वो वो हो रहे हैं और हर तरफ हो रहे हैं वो खुद जानता है वो कैसे कर रहे हैं हमें नहीं मालूम लेकिन उस इस नूर से इस लाइट से अल्लाह ताला की रहमत से हम मुस्तफ़ी हो रहे हैं माने या ना माने लेकिन हम उससे इस्ता कर रहे हैं सही तो इलाह के जो चार मानी हमें समझ में आए वो दरअसल हमें बताते हैं कि अल्लाह सुबहान वाली का जो इसम ज़ात है अल्लाह वो दरअसल इन चार बुनियादी मानों के साथ उसके तारुफ़ के अंदर मौजूद है तो जब हमने उसका तारफ़ लेना है तो फिर हमें ये बात समझनी होगी कि हमें उसकी रहमत को पाने के लिए उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करना है और जहां हमें उसकी रहमत पाने के लिए उसको अपनी तरफ मुतवज्जो करना है वहां में हमें हर वक्त ये धड़का भी लगा रह रहना चाहिए ये खौफ भी हमारा होना चाहिए कि कहीं वो हमसे नाराज़ ना हो जाए अब जब ये ताल्लुक डेवलप हो जाता है तो फिर दुनिया की मोहब्बतें हों या औलाद की चाहते हों या नफ्स की ख्वाहिशें हों या मालोजाह की कशिश हो या सोसाइटी में हमारा स्टेटस हो हमारे अफेयर्स हों हमारे मामलात हों हमारा लेन देन हो जो कुछ भी हो मोमिन की ज़िंदगी पर सिर्फ एक रंग गालिब आता है और वो रंग कौन सा है वो है शिव गतल्ला वो अल्लाह का रंग है मोमिन अल्लाह के रंग में रंगने की कोशिश करता है और अल्लाह के रंग से बढ़ कोई रंग नहीं हो सकता और इसीलिए कहा गया वल्लन आमनु अशद हब्बलिला अशद्द हब्बलिला वल्लीन आमनु अशद हुब्बल अहल ई ईमान की मोहब्बत तो अल्लाह ताला के साथ शदी तर होती है सबसे ज़्यादा मोहब्बत उनकी अल्लाह ताला के साथ होती है तो जब अल्लाह ताला हमारे लिए सिर्फ़ एक अकैदा हो सिर्फ़ एक ख्याल हो और हकीकत का रूप ना हम उसको दें तो फिर ये मोहब्बत कैसे डिवेलप हो ये ताल्लुक़ कैसे बने तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह व तआला के नामों को इस तरह से पढ़ें और ये बात मैं अपनी मस्जिद की कुछ बहनों के साथ तो कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ लेकिन कुछ बहनें मैं देख रही हूँ जो नई हैं इसलिए उनकी मारिफत के लिए कहना चाहती हूँ कि एक तो ये कि अल्लाह ताला के नामों की तादाद मखसूस नहीं है अल्लाह ताला के बेशुमार नाम हैं बेशुमार नाम हैं। दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो तस्वुर है अल्लाह ताला के नामों को पढ़ने का वो इंतहाई गलत है कि किसी मुश्किल के वक्त में उनको पढ़ लिया और आ, किसी लिख कर किसी जगह पर लगा लिया कारोबार की बंदश दूर हो जाएगी इस नाम को लिख के यूँ लगा लो या इस नाम को यूँ पढ़ लो अच्छा उसके पीछे कोई उनके पास कोई इल्म नहीं है कोई हकीकत नहीं है ये बात करते हुए कि जिसको वो कह दिया जाता है किसी के यहाँ कोई मुश्किल है बच्चे बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा तो अच्छा फला नाम को पढ़ना शुरू कर दो या इतनी दफ़ा उसको पढ़ लो ऐसा कुछ भी नहीं है अल्लाह ताला के नामों को आप पढ़ें ज़रूर फ़ायदा है लेकिन ये जो हदीस है कि वल्ल ही त सातुम वती सोन इस मन असाह दखल अलजन्न अल्लाह सुबहान व तआला का नाम है एक नाम है अलमुखी हमें वो पढ़ना चाहिए इनशाला पढ़ेंगे अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो अलमुखी तो एहसा का माना क्या है ये जो आज की सारी गुफ्तु मैंने की है ये दरअसल अहसा ही का मफहूम मैंने आपके सामने रखा है ये है दरअसल अहसा यानी अल्लाह ताला के नामों की गहरी मारिफत हासिल करना उसके साथ ताल्लुक बनाना उसके साथ मोहब्बत करना और ऐसी मोहब्बत करना कि हमारे अकीदे की दुरुस्ती के साथ साथ हमारे मामल हमारे आमाल सब कुछ दुरुस्त हो जाए अब उसका मतलब ये भी नहीं है कि जब हमें इस मारिफत के साथ साथ ये दर्जात मिलने आ, मिल जाते हैं और हम अपने आप को एक बेहतरीन मोमिन बनाना आ, बनाने की कोशिश करते हैं और फिर हम बन भी जाते हैं तो क्या हमारी ये हालत व कैफियत हमेशा रहेगी ऐसा नहीं होता है अगर ऐसा हो तो फिर तो फरिश्ते उतरें और मेरे और आपका हम सब का मुसाफा करें हैंड शेक करें हमारे साथ इंसान की हालत नहीं होती है यानी ईमान की हालत हमेशा एक जैसी नहीं रहती है और ये बात भी हमें बहुत अच्छी तरह समझ आती है कि जब हम अल्लाह ताला के नाम अलकाबिद अबासत को समझते हैं अलकाबिदासित वो नाम है कि जो हमें ये सारी बात समझाता है कि ये जो कब्ज़ व बस्त है कि कभी ईमान कम होता है और कभी ज़्यादा होता है कभी अल्लाह ताला किसी चीज़ को यह भी दरअसल कैफियत है जो अल्लाह ताला ही की तरफ़ से है और ये ताला ही के हाथ में है कि हुकाबिदलबासत वो चाहता है तो कब्ज़ कर लेता है चाहता है तो बस्त कर देता है तो ये जो कैफियत है अहले ईमान की होती रहती है कभी हम ईमान के कम दर्जे पर भी होते हैं कभी दिल में तंगी महसूस हो रही होती है कभी फिराकी होती है कभी होता है कि बस अल्लाह ताला के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ बन गया है अब वो ताल्लुक़ कुछ अरसे के बाद ऐसा नहीं रहता चंद घंटों के बाद ही कैफ़ियत बदल जाती है और तो और रमदान की कैफियत को देख लीजिए और रमदान गुज़रने दीजिए और उसके बाद की अपनी कैफियत को देख लें सिर्फ नमाज़ों को ही देख लें कि नमाज़ों की क्वालिटी किस तरह से मुतासर हो जाती है और क्या हालत होता है कितना टाइम हम रमदान के अंदर क़ुरान को देते हैं कितना टाइम हम उसके बाद देते हैं है ना तो ये ये कैफ़ियत एक जैसी नहीं रहती है जो काम हमारे करने का है वो ये है कि अल्लाह ताला के तमाम नामों की चाहे वो असमाओ ज़ात हैं या यासमावात हैं या यासमाफ़ाल हैं और उसके अंदर फिर उसके जितने जुड़वा नाम हैं उनकी वो गहरी मार्फ़त और बसिरत हम हासिल करके उसकी रोशनी में अपना ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ मजबूत बनाने की कोशिश करने में लग जाएं तो हमारा काम क्या है कोशिश करना जब हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह सुफ़ाना व तआला हमें ज़रूर उसका अजर अता फरमाएगा इनशा तो अगला सेशन इनशा अभी इस ये जो इस मुस्ात है मैंने इसका मुख्तसर सा तारफ़ आपके सामने रखा है और वो भी सिर्फ लघवी माना यानी उस लफ्ज के जो अरबी ज़ुबान में जो मानी आते हैं चार वो आपके सामने रखे हैं अब इसके अलावा इसकी तफसील बहुत ज़्यादा है इनशा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे जब भी अल्लाह ने हमें मौका दिया तो आगे हम इसी नाम की जितनी कोई मारिफत मिली है इसी की रोशनी में वो अल्लाह के जो जुलजलाली वाल कराम है और ये उसके दो जोड़ा नाम हैं इस नामों को उसने अब साथ साथ क्यों रखा और इस नामों में से किस नाम का ताल्लुक उसकी अपनी ज़ात के साथ है और किसका ताल्लुक हमारे साथ है यानी मखलूकात के साथ है और फिर इन नामों को उसने सिर्फ़ पुरानी मजीद में दो जगह एक जगह नहीं दो जगह शूर रहमान ही में ज़िक्र किया है तो ऐसा क्यों है के इन नामों को सिर्फ रहमान ही में क्यों जिक्र किया गया है और वहाँ उसकी जो तफसीर है और वहाँ उस पर अल्लाह व तआला की जो मारिफत पोशीदा है उसको इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला के हुक्म से जानने की कोशिश करेंगे तो आज का सेशन इंशाल्लाह मैं एंड करूँगी सिर्फ़ एक हदीस के ऊपर और ये दरअसल पूरा जो हमने आज अल्लाह ताला के इस मुझाद की जो थोड़ी मारिफत हासिल की है उसका ख़ुलासा है इस तरह से कि ये वो नाम है कि जो हर चीज से इंसान को बेनियाज कर देता है और हदीस है इमरान बिन हुसैन रदी अल्लाह की वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेरे वालिद आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा ये ये हदीस इमरान बयान कर रहे हैं उनके वालिद हुसैन हैं तो हुसैन कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि ए हुसैन तुम एक दिन में कितने मबूदों की इबादत करते हो तो मेरे वालिद ने जवाब दिया सत्तर मबूद जमीन में और एक मबूद आसमान में तो रसोल्ला तुम अपने शौक और घबराहट में किस को पुकारते हो यानी सत्तर जमीन पे हैं और एक आसमानों में है तो तुम इस कैफियत में किसको पुकारते हो तो वालिद ने जवाब दिया उसे जो आसमानों में है तो रसोल्ला सल्हलम ने फरमाया हुसैन अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हें दो ऐसे बोल सिखाऊंगा जो तुम्हारे लिए दुनिया और आख़रत में बहुत नफामंद हैं, बहुत नफामंद हैं, है बहुत फ़ायदा मंद है तो इमरान कहते हैं कि मेरे वालिद ने इस नाम को बोल कर लिया और फिर सल्लल्लाहु सल अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह मुझे वो बोल सिखा दीजिए जिनका आपने मुझसे वादा फरमाया था तो सल्लल्लाहु सल अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसैन कहो अल्लामी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्री नफ्सी अल्लाहुम्मा अल्लामी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्री नफ्सी ए अल्लाह मुझे रुश्द हिदायत का राह राशत हिदायत का रास्ता सुझा दे और नफ्स की शरारतों से तू मुझे बचा ले तो ये वो कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह कि जो इंसान को बातिल अकीदों से दूसरे खुदाओं की गुलामी से नफ्स की प्रस्त से निकाल कर एक अल्लाह ला शरीक लहू की इतात और ग़ुला ग़ुलामी में ला बिठाता है उसके बस उसके कदमों में बस डाल देता है उसका वो बना देता है ये वो क़लिमा है दा इलाहा इला और ये प्यारी बहनों वो अहद है कि जो हमारा अल्लाह सुबहान व साथ है ये अहद है है ना अहद कि हम सयदलफार में यही पढ़ते हैं न किबी ला इला इला अंता खलाकता व आना आब्दुका का व आना अला आहदी का व आदी का ये वो अहद है जो हमारा अपने रब के साथ है और उस अहद की बुनियाद दरअसल कलिमा तो है रसूलुल्लाह और वो कलिमा दरअसल उसका जो पहला और अहम हिस्सा है वो दरअसल अल्लाह सुबहान व तमज़ात अल्लाह है

और कोई अमल इससे ज़्यादा शबकत नहीं ले जा सकता अगर हम कहें कि यह अफदलस् जिक्र भी है और यही वो अमल है कि जो सबसे बड़ा अमल है तो फिर क्या दूसरे अमल जो हैं वो कम दर्जे के हैं नमाज़ कितना बड़ा अमल है रोज़ा कितना बड़ा अमल है कुरान की तिलावत कितना बड़ा अमल है इसके अलावा भी जो दूसरे मामला हैं बड़े अमल हैं लेकिन ये क्यों सबसे बड़ा है कि ये असल है ये बुनियाद है जब ये बुनियाद सही हो जाती है तो फिर सारे मामलों सही हो जाते हैं तो हमें अपने ताल्लुक़ को अपने रब के साथ खालिस करते हुए अपनी बुनियाद को दुरुस्त करना है अपने अकीदे को दुरुस्त करना है अल्लाम ने रुशदी व आयज़ नहीं मिनशर्र नफसी तो बस इसी पर इंशाल्लाह अपने इस सेशन को ख़त्म करते हैं हमारे पास पाँच मिनट हैं अगर किसी का कोई सवाल हो तो हम ले सकते हैं